नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक शर्मा, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा 5-10 मिनट का समय लग गया। देखो, मेरी 3 बजे से क्लास थी दोस्तों, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोगेशन, अनुपात एंड समानुपात, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं बताने वाला हूँ कि देखो किस प्रकार से हम प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में किस प्रकार कर पाएंगे, पूरी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। एक बार आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं, और जो लोग माई नोट्स अड्डा फेसबुक पेज पे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के कमेंट यूट्यूब पर ही पढ़ पाता हूं, इसलिए आप प्लीज वहां से यूट्यूब पर आ जाएं, ठीक है। हाँ भाई, जुड़ चुके हैं लोग, एक बार फटाफट से जुड़े ताकि हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोगेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और 1 से 2 प्रश्न आते हैं, कई बार 2-2, 3-3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आपको किस तरीके से प्रश्न को करना है। देखो, आपने देखा होगा प्रश्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो हर कोई प्रश्न बनाएगा, पर आप किस तरीके से प्रश्न को बना रहे हो, ठीक है। देखो, आपका तरीका डिपेंड करेगा आप किस तरीके से प्रश्न को बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप फटाफट से जुड़ जाए काफी लोग, ठीक है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, प्लीज एक बार कमेंट में बताएं आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं, वॉइस क्लियर है आप लोगों को। हाँ भाई, प्लीज थोड़ा सा कमेंट में बताएंगे इस मुझे, ठीक है, ओके। हाँ भाई, मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ भाई, नमस्कार सभी को मेरा, ठीक है, गुड आफ्टरनून, जुड़ चुके हैं लोग, ठीक है। हाँ भाई, वॉइस क्लियर है बिल्कुल, आवाज क्लियर है, यस, ठीक है, ओके, सभी लोग जुड़ चुके हैं, हरीश जी, नेगी जी, हाँ, हेलो हेलो, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, हरीश नेगी जी, क्लियर है, ओके, यस, जुड़े आप, राम राम सब, राम राम गुरुजी, राम राम, राम राम भैया, ठीक है। हाँ भाई, ओके, हाँ भाई, जुड़ जाएं, और प्लीज जो बच्चे फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज आप माई नोट्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, ताकि हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से है, जिन भी स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, फिर हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। और देखो, आज का जो टॉपिक है ये है अपना अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोगेशन। जो आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, या फिर आप स्टेट लेवल एग्जाम जो भी कर रहे हो, आप सीडीएस वगैरह किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने के चांस होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो आपको किस तरीके से करना है कि प्रश्न को 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड में किस प्रकार से करेंगे। देखो, प्रश्न करने का अपने अपना तरीका होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट तो उसी प्रश्न को 1 मिनट में कर रहा है, और एक स्टूडेंट उसी प्रश्न को 5 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना सोचने का नजरिया होता है कि आपको किस तरीके से करना है। हाँ भाई, जुड़ चुके हैं काफी लोग, हाँ भाई, फटाफट से आए, यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून। देखो, हम क्वेश्चन करेंगे, स्वागत है बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ भाई, तो देखो हम क्वेश्चन करेंगे, सर आप जयपुर में कौन सी क्लासेस में पढ़ाते हैं। हाँ भाई, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ाते हैं हम लोग, जगतपुरा के अंदर गैलेक्सी के नाम से है, ठीक है, रिद्धि सिद्धि भी पढ़ाते हैं हम, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, महेश नगर भी पढ़ाते हैं, टॉप फाटक भी पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, हाँ भाई, एफबी से आ चुके हैं बिल्कुल, जुड़े यहाँ फटाफट जुड़ जाए। हाँ भाई, काफी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, लाइक करो, वेरी गुड, स्टूडेंट बोल रहे हैं लाइक करो, बिल्कुल लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट, वॉचिंग देखा कमेंट। हाँ भाई, तो देखो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और आज किस तरीके से करना है, कैसे करते हैं देखते हैं आज। ठीक है, हाँ भाई, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और आप जो लोग जुड़ जाएं प्लीज फटाफट से, ताकि मैं आपको क्वेश्चन कराना बताऊं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो दोस्तों, आपने देखे होंगे इस प्रकार से प्रश्न, देखेंगे आप लोग प्रश्न क्या है। देखो, आपने इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। देखो, सबसे पहली चीज, अनुपात का जो मतलब होता है वो कंपेयर करना है, ठीक है, दो क्वांटिटीज के बीच कंपेयर होता है, ठीक है, दो राशियों के बीच तुलना होती है अनुपात का, सीधा सीधा मतलब, ठीक है। देखें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, देखें, और आपने देखे होंगे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला ले रहा हूं मैं, और आप देखेंगे बिल्कुल तरीके से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल तरीके से जुड़ जाएं आप लोग हमसे।
क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन देखे होंगे, इफ यदि ए अनुपात बी यहां पर ए अनुपात बी दे रखा है आपको, 3:4 दे रखा है, ठीक है, फिर बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2:3, तो आपसे पूछा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आप फाइंड आउट करें, ए अनुपात बी अनुपात सी ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन पहला है 3:4:6 है, ऑप्शन बी है 4:3:6, ऑप्शन सी है 3:4:12 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉट अ नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, हाँ भाई फटाफट जुड़ जाएं आप लोग, यस, देखो ऐसे प्रश्न आपने एग्जाम में देखे होंगे और किस प्रकार से करते हैं देखिए आप, ठीक है, आपने काफी प्रश्न देखे होंगे इस प्रकार से, हाँ भाई जो बच्चे प्लीज, हाँ भाई वेरी गुड, आंसर आ रहा है कुछ लोगों के, ठीक है वेरी गुड, ठीक है, हाँ भाई ऑप्शन है वेरी गुड, बहुत बढ़िया सही है सब कुछ, हाँ भाई देखो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट माई नोट्स अड्डा पर जुड़ा हुआ है प्लीज आप यूट्यूब पर आ जाए, वहां पर कमेंट करें ताकि मैं पढ़ पाऊं। अब देखिए आप, अब देखो ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न देखे होंगे बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है और एग्जाम में आते भी हैं ऐसे प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न को करने के, देखो अपने सोचने का नजरिया होता है आप किस तरीके से करोगे, एक स्टूडेंट तो इसी प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में करेगा, 5 सेकंड में करेगा, और एक स्टूडेंट इसी प्रश्न को 20 से 30 सेकंड में करेगा, तो देखो किस प्रकार से। अब देखो मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूं, इसी प्रश्न को आप 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखो आप इधर देखना, जैसे कि आपको दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ए अनुपात बी दे रखा है कितना है 3:4 है, बी अनुपात सी कितना है 2:3 है, ठीक है। तो देखो पहला तरीका क्या है आपने सीखा है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, यही करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 3:2 करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो 4:2 करेंगे, फिर उसके बाद 4:3 करेंगे, यही करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 × 6 बनेगा, ठीक है, 4 × 8 बनेगा और 4 × 3 = 12 बनेगा, तो आपका आंसर कितना बना 6:8:12, या फिर इसको आप और भी सॉल्व करेंगे तो 2 से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कितना बनेगा यहाँ पर 3:4:6, ये आपका आंसर बनेगा जो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है पहला तरीका, ठीक है। अब देखो आपने देखा सॉल्व किया आंसर आया कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा सा प्रश्न है इसलिए आपने फटाफट कर दिया। दूसरा देखो तरीका, इसी प्रश्न को आप करेंगे, दूसरा तरीका क्या है तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, पहला तरीका समझ में आ गया आप लोगों के, हाँ भाई बिल्कुल शुरू से है, देखो एग्जाम में किस तरीके से फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं उनके बात कर रहा हूं मैं, हाँ भाई जुड़ जाए आप लोग फटाफट से। अब देखो ये तो हो गया पहला तरीका, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, हाँ भाई फटाफट जुड़ जाए, फटाफट प्लीज वीडियो को शेयर कर दें आप लोग, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊं आप लोगों को। इधर देखें आप, पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका इसी प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे देखिए आप, मैं 4 तरीके से इस प्रश्न को कराने वाला हूं, देखेंगे आप लोग, ठीक है, और आपको देखना है एग्जाम में करना कैसे, ठीक है, ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। सेकंड मेथड इसी प्रश्न को देखिए आप, ए अनुपात बी है 3:4 है, बी अनुपात सी है कितना है 2:3 है, ठीक है। अब देखो आप, अब आप देखेंगे इसके इधर देखें पास में, यहां पर सी खाली है तो यहां पर इसको लिख दें आप, इसके पास में एक जगह खाली है, इसको किसको लिख दें आप 2 को लिख दें, देखो यहां पर क्या एक जगह खाली थी तो आपने इसके पास में क्या है 4 को लिख दिया, यहां पर खाली था तो आपने इसको किसको लिख दिया 2 को, और आप इनको गुना कर दें, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 3 × 6 = 4 × 8, ठीक है, और 4 × 3 = 12, फिर आप देखेंगे 2 से कट रहा है सब कुछ, तो यहां पर कितना होगा 3, 4 और 6, दूसरा तरीका हो गया, 2 तरीके हो गए प्रश्न को करने के, ठीक है। अब देखो दोस्तों तीसरा तरीका जो हमें करना है, ठीक है, इस तरीके को जरूर सीख लेना है, ये तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, अभी तो छोटे प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ही मैं अच्छे लेवल के प्रश्नों पे आऊंगा तो ये सब तरीके फेल हो जाते हैं, हाँ भाई जुड़ जाए फटाफट, यस। देखिए आप, जैसे कि ए अनुपात बी है 3:4, इसको जरूर फॉलो करना है आपको, और बी अनुपात सी है 2:3, देखिए आप, अब आप एक चीज देखो यहां पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो मतलब कहने में का मतलब दोनों में बी कॉमन आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, दोनों में बी कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर बी को इक्वल कर लें, बराबर कर लें, तो बी को बराबर करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दें, और आप जानते हो अनुपात में यदि आप ए
अंश को गुना करोगे तो हर को भी गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो इसको दो से किया तो इसको भी किससे करेंगे, दो से। ये बराबर हो गए तो यहां पर देखो तीन और चार और ये छह, ये आपका आंसर बन गया। समझ में आ रहा है, दोबारा समझ लें आप, ठीक है, दोबारा देख लें आप लोग एक बार। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब इसको आपको करना है, देखो ए अनुपात बी है, तीन अनुपात चार, बी अनुपात सी है, दो अनुपात तीन। अब आपको मालूम है भाई बी कॉमन है, बी क्या है यहां पर, कॉमन है, ठीक है। तो बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे आप, इक्वल करेंगे। तो यहां पर देखो इसको बराबर करेंगे तो इसको किससे गुना कर दो आप, दो से गुना कर दो, कितना हुआ चार, बराबर हो गया। पर इसको दो से गुना करेंगे तो इसको भी दो से गुना करेंगे, ध्यान रखें आप अनुपात में, ठीक है, अनुपात में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर कितना बना तीन और ये कितना बना यहां पर चार और ये कितना बना छह, ये आपका क्या बना आंसर। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं, एक बार यस और नो का जवाब देंगे आप लोग मुझे फटाफट, ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों के। हाँ भाई यस और नो में जवाब दो आप मुझे प्लीज, यदि समझ में आ गया तो यस और नो में जवाब दे। यस वेरी गुड, ओके। अब देखो मित्रों ये तो हो गया तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि इस तरीके से करते हो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। पर अब यदि आप सोच सकते हो तो इसी प्रश्न को आप 2 से 5 सेकंड के भीतर कर सकते हो। देखो इसी प्रश्न को किस प्रकार करेंगे, ये आपको ऑप्शन, देखो ऑप्शन आपको मालूम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रश्न है तो भाई ऑप्शन आपको देगा, नो डाउट ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। अब आप देखो चार ऑप्शन है आपके सामने, यहां पर समझेंगे प्लीज, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करना आप। देखो यहां पर ए अनुपात भी दे रखा है, इधर ध्यान लगाएंगे प्लीज, ठीक है। ए अनुपात भी कितना दे रखा है, तीन अनुपात चार, ए अनुपात भी कितना है यहां पर तीन अनुपात चार, और बी अनुपात सी कितना है दो अनुपात तीन। अब आपसे पूछा है ए बी और सी, तो यहां पर देखो ये ए बी सी है, ठीक है। अब आप देखो ए अनुपात भी कितना है यहां पर तीन अनुपात चार, अब ऑप्शन ए में क्या ए अनुपात भी तीन अनुपात चार बन रहा है, हाँ बन रहा है, मतलब इसका आंसर हो सकता है बी, ऑप्शन बी में बन रहा है तीन अनुपात चार, नहीं बन रहा, ऑप्शन बी गलत हो गया, देखते ही हो गया गलत। हाँ भाई ऑप्शन सी तीन अनुपात चार बन रहा है, मतलब इन दोनों ऑप्शनों को चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर है, या फिर इन दोनों में से भी तो नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। फिर आप देखें बी अनुपात सी दो अनुपात तीन बन रहा है, कितना बन रहा है दो अनुपात तीन, तो आप देखें यहां पर दो अनुपात तीन देखो दो से काटेंगे तो ये दो और कितना बना तीन, तो आप देखें आपका आंसर क्या बना, ए बना, ऑप्शन ए बना। हाँ भाई फटाफट समझ में आया कि नहीं, हाँ भाई दो से तीन सेकंड में आंसर आया कि नहीं आपका, फटाफट से आया, किस तरीके से करना है, क्लियर है, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, ठीक है समझ में आ गया। और देखेंगे आप लोग फटाफट से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग, और आप लोग फटाफट खुद ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि ए अनुपात बी है यहां पर देखेंगे आप लोग, तीन अनुपात पांच है और बी अनुपात सी है चार अनुपात सात, ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन से फटाफट बता देंगे, आप खुद बताएंगे फटाफट बताएंगे आप लोग, आप लोग मुझे ऑप्शन ए है छह अनुपात नौ अनुपात चौदह, ऑप्शन बी है तीन अनुपात पांच अनुपात सात, ऑप्शन सी है बारह अनुपात बीस अनुपात इक्कीस, और ऑप्शन डी है बारह अनुपात बीस अनुपात पैंतीस। आप फटाफट आप लोग खुद बता दें कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताएं आप लोग। हाँ भाई, और जो स्टूडेंट माई नोट्स अड्डा पर जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज पर, फटाफट आप यूट्यूब पर आ जाएं, अभी मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा दोपहर का समय इसलिए बच्चे कम जुड़े हैं, ठीक है, पर जो भी जुड़े हैं फटाफट इसका आंसर बताएं। यस आंसर आ रहा है, वेरी गुड, डी 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 सही आंसर आ रहा है, सही बोल रहे हैं। हाँ भाई फटाफट, मतलब आप समझ पा रहे हो, देख रहे हैं आप फर्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं आप प्रश्न को विद इन सेकंडों में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आप, यदि आप ऑप्शन चेक करना जानते हो, देखो कैसे करेंगे, ए अनुपात बी तीन अनुपात पांच, इधर देखिए आप यहां पर तीन अनुपात पांच क्या ऑप्शन ए बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ऑप्शन ए गलत हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर आप देखें ऑप्शन बी, हाँ बन सकता है, ऑप्शन सी देखिए आप तीन अनुपात पांच बन रहा है कि नहीं, देखो आप यदि चार से काटोगे तो चार तीय बारह और चार पंजो बीस, हाँ बन सकता है भाई, ऑप्शन बी भी आंसर, सी भी आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन डी देखिए आप, ये भी तीन अनुपात पांच बन रहा है, चार से काटेंगे, ठीक है। अब आप देखो बी अनुपात सी चार अनुपात सात, क्या ऑप्शन बी में चार अनुपात सात है क्या, नहीं है, गलत हुआ। ऑप्शन सी में देखिए आप चार अनुपात सात बन रहा है क्या, नहीं, देखिए आप यहां पर किससे कटेगा ये, यदि आप इसको पांच से काटते तब भी नहीं कटेगा, सात से काटते तब भी नहीं कटेगा, ऑप्शन सी भी कट गया, और ऑप्शन डी देखिए आप बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी आपका आंसर बना। देखो चार अनुपात सात बन रहा है कि नहीं, देखिए आप इधर देखेंगे आप
यदि आप यहां पर पांच से काटेंगे, किससे काटेंगे, पांच से, तो देखो पांच चौका बीस और पांच सत्ते पैंतीस बन रहा है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या बना, डी आपका ऑप्शन बना, बना कि नहीं, समझ में आया, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, समझ में आया कि नहीं, प्रश्न पांच सेकंड के भीतर भीतर बना के नहीं बना, पांच सेकंड के भीतर भीतर मैंने आपको लिखा है कि भाई पांच सेकंड में आंसर दूंगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्लियर है, ठीक है, यस वेरी गुड, ठीक है। या फिर इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो देखो किस प्रकार करेंगे, सॉल्व करना भी आना चाहिए आप पे, ध्यान रखें, ए अनुपात बी अनुपात सी है, पर एग्जाम में यदि आपको इस प्रकार से दे रखा है और इस तरीके से आंसर लाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट कर लोगे फटाफट, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी कितना है तीन अनुपात पांच, आप तरीका भी देख लें, और बी अनुपात सी कितना है चार अनुपात सात, ठीक है। अब आप यहां पर पता है आपको बी कॉमन है, बी क्या है यहां पर कॉमन है, ठीक है, तो बी को बराबर करेंगे, तो देख रहे हैं आप इसको किससे गुणा करेंगे चार से, और इसको किससे गुणा करेंगे पांच से, चार पांच जो बीस और पांच चौका बीस, इसको चार से किया तो इसको भी किससे करेंगे चार से, इसको पांच से किया तो इसको भी किससे करेंगे पांच से गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे हाँ ना बोले आप, ठीक है। तो यहां पर चार दिया बारह और चार पांच जो बीस और पांच सत्ते पैंतीस, तो आपका आंसर क्या बना बारह बीस पैंतीस, ये आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई फटाफट समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे, हाँ भाई, लोग काफी लोग कम जुड़े हुए हैं, प्लीज जो स्टूडेंट फेसबुक पे जुड़े हुए हैं फटाफट से आ जाए आप लोग, फटाफट आ जाए आप लोग जो स्टूडेंट फेसबुक से जुड़े हुए हैं, हाँ भाई समझ में आया, हाँ भाई क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, देखें आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन, और आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर, फटाफट आंसर बता देंगे, देखते हैं कितना जल्दी आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी है यहां पर पांच अनुपात सात है, ए अनुपात बी कितना है पांच अनुपात सात, और बी अनुपात सी है यहां पर छह अनुपात सात है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन ए है यहां पर पैंतीस अनुपात उनचास अनुपात बारह, ऑप्शन बी है तीस अनुपात बयालीस अनुपात उनचास, ऑप्शन सी है बयालीस अनुपात पैंतीस अनुपात उनचास। ध्यान रखें वही प्रश्न करा रहा हूं मैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, पचपन अनुपात सतहत्तर अनुपात छियासठ, ठीक है, फटाफट आंसर बताएं आप लोग, हाँ भाई। और यदि आप पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, तो हमारा YouTube चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे की क्लासेस मिल सके, यहाँ पर एग्जाम फंडा के नाम से है YouTube चैनल, फटाफट बताएंगे आप लोग आंसर बताएं फटाफट, ठीक है, पांच सेकंड के भीतर भीतर आंसर आना चाहिए, वेरी गुड आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, देख पा रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ब्रजेश जी, फटाफट वीडियो को शेयर कर दे और भी लोगों को बताएं थोड़ा सा, ठीक है, और जो स्टूडेंट फेसबुक पेज पे हैं फटाफट से आ जाएं आप लोग, यूट्यूब पे आ जाएं प्लीज, मैं आपके कमेंट बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं पेज पे, आप यूट्यूब पे आए फटाफट से आ जाएं, हाँ भाई यस आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ भाई पांच सेकंड के भीतर भीतर आंसर आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई यस और नो में जवाब दो, समझ पा रहे हैं आप, देखिए आप ऑप्शन से देखेंगे आप, ऑप्शन यहां पर देखेंगे, भाई ए अनुपात बी है पांच अनुपात सात, ए अनुपात बी कितना है यहां पर पांच अनुपात सात है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अब आप ऑप्शन ए में देखो क्या पांच अनुपात सात बन रहा है कि नहीं, देखेंगे आप थोड़ा सा, आप यदि यहां पर पांच अनुपात सात सात से काटेंगे तो सात पंच पैंतीस और सात सात उनचास पांच अनुपात सात बन रहा है, ऑप्शन ए हो सकता है अभी आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए आप, यहां पर इसको यदि सॉल्व करोगे तो देखो छह से काटोगे पांच छिके तीस पांच सात छिक बयालीस, ठीक है, हाँ भाई कट रहा है कि नहीं, ठीक है, आप छह से काटोगे तो यहां पर देखो पांच छिके तीस होता है सात छिक बयालीस होता है, ये भी बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी भी बन रहा है, ऑप्शन सी देखेंगे आप यदि, ठीक है, तो यहां पर देखो ये नहीं बन रहा, ठीक है, यहां पर देखो यदि आप सात से काटोगे तो छह बार कटेगा और कितनी बार कटेगा पांच, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, ठीक है, आपको पांच अनुपात सात बनाना है, ऑप्शन डी देखें आप,
यहां पर देखो 11 से काटेंगे ये 5 बनेगा और ये कितना बनेगा यहां पर 7 बनेगा, ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन कटा है, देखिए आप ऑप्शन एक पर देखें, आप बी अनुपात से चेक करेंगे 6 अनुपात 7, क्या ऑप्शन ए में 6 अनुपात 7 बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं बन रहा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, आप 6 अनुपात 7 नहीं बन रहा। ऑप्शन बी में देखिए आप, यहां पर देखो आप यदि 7 से काटोगे तो देखो 7 6 42 होता है, 7 7 49 होता है, तो 6 अनुपात 7 बन रहा है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ, ऑप्शन बी क्या हुआ आपका आंसर हुआ। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? ठीक है, और आप यदि आपको इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल तरीके से सॉल्व भी करना है तो वो भी आप देख लें फटाफट कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी आप सीख लें किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए आप फटाफट क्या है, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना है, 5 अनुपात 7 है, बी अनुपात सी कितना है, 6 अनुपात 7। ठीक है, आज दोपहर के समय आ गया हूं मैं बिना बताए, ठीक है, इसलिए कुछ लोग कम जुड़े हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें आप, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और प्लीज जो स्टूडेंट एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे नहीं है आप फटाफट से आ जाएं माई नोट्स अड्डा पे से, फेसबुक पेज पे से प्लीज। देखिए आप, अब यहां पर देखो बी कॉमन है, बी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर करेंगे इसको किससे गुना कर दें आप, 6 से गुना कर दें, इसको किससे कर दें 7 से, देखो 7 6 42 6 7 42, अब इसको 7 से किया तो इसको भी किससे करेंगे 7 से, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से, तो देखो यहां पर 5 6 30 7 6 42 7 7 49 बना के नहीं बना, समझ में आया कि नहीं? आंसर आ रहा है बिल्कुल, क्लियर है, डन, क्लियर है भैया, वेरी गुड। समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, 3 सेकंड में आ रहा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट? देखो आपको ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन को किस प्रकार से करेंगे, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप, क्लियर है। देखो नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी या फिर किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर सीजीएल 2017 का प्रश्न है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है, और प्रश्न क्या है देखेंगे आप लोग, 3A = 2B = 4C। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको फाइंड आउट करना है, 3A = 2B = 4C, और आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ऑप्शन ए है 3:2:4, ऑप्शन बी है 6:4:3, ऑप्शन सी है 4:6:3। ठीक है, और ऑप्शन डी है 2:3:4। हाँ भाई, अब देखो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन है, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन आया, प्रश्न बहुत ज्यादा सीधा है, पर एक स्टूडेंट तो इसी प्रश्न को 1 से 2 मिनट के भीतर करेगा, और एक स्टूडेंट इसी प्रश्न को 5 से 6 सेकंड के भीतर करेगा, तो देखो आपको किस प्रकार करना है, क्या अप्रोच सोचनी है, देखेंगे आप लोग। पर उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, एग्जाम फंडा है, FANDA। ठीक है, यहां पर FUNDA का फर्क पड़ता है बहुत से लोगों को, तो ये FANDA है, ध्यान रखना, FANDA क्या है, FANDA ध्यान रखना, क्या है, FANDA, ये YouTube चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, आगे समझ में, अब आप देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग, इधर देखिए दोस्तों, ठीक है, 3A = 2B = 4C, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना है, देखना है, यदि आप ए की जगह बी का मान और बी की जगह ए का मान, ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ए अनुपात बी कितना बन रहा है, भाई ए की जगह बी का मान तो यहां पर कितना हुआ 2 हुआ, और बी की जगह ए का मान कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना बना 2:3, फिर आप बी अनुपात सी यदि बनाओगे तो यहां पर देखो बी की जगह सी का मान और सी की जगह बी का मान, ठीक है, तो यहां पर कितना बनेगा 4:2 बनेगा, या फिर और कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यदि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हो, किससे सॉल्व करते हो ऑप्शन से, तो देखो ऑप्शन ए है
2:3 ऑप्शन ए में बन रहा है कि नहीं बन रहा, गलत हुआ, ठीक है। 2:3 ऑप्शन बी देखेंगे, यहां पर ऑप्शन बी में 2:3 बन रहा है क्या, यहां पर 3:2 बन रहा है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी देखें आप, इसमें 2:3 बन रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, यदि आप 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2:3 बन रहा है कि नहीं। ऑप्शन डी में भी 2:3 बन रहा है, मतलब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं आंसर। अब इनमें चेक करना है तो देखो B:C देखो 2:1, B:C क्या है 2:1, यहाँ पर देखो ये 2:1 बन रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बन रहा है, 3 से काटेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, तो आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन सी आपका आंसर बना। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, समझ में आया कि नहीं, यस ऑप्शन सी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है समझ में आ गया। अब यदि आप इसको और तरीके से भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको देखना है कभी एग्जाम में किस प्रकार से करना है, तो एग्जाम में आपको फटाफट आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देखना कि आपको कैसे आ रहा है, कैसे सॉल्व किया, कोई नहीं देखने वाला, बस आंसर देखने वाले, ठीक है। आंसर के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए कि हाँ भाई किस तरीके से, तो देख पा रहे हैं आप किस तरीके से, ठीक है। और आपको इसको सॉल्व भी करना है तो देखो किस प्रकार से करेंगे, देखो आप ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी है यहां पर कितना है 2:1 है, ठीक है। अब देखो बी कॉमन है तो बराबर करेंगे, इसको किससे गुणा कर दो 2 से और इसको किससे गुणा कर दो 3 से, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से, तो यहां पर देखो 2 × 4 और 3 × 6 और 3 × 3, तो आपका आंसर बना 4:6:3, ये आपका आंसर बना, बना कि नहीं बना, ठीक है। हाँ भाई फिर से बताएं, अच्छा देखो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहां पर ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी निकालेंगे, देखो ए की जगह बी का मान, बी की जगह ए का मान, तो यहां पर ए अनुपात बी कितना आया 2:3 आया, फिर आप बी अनुपात सी निकालेंगे तो देखो बी की जगह सी का मान, सी की जगह बी का मान, तो 4:2 और कैलकुलेट किया तो 2:1 आया। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में क्या 2:3 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, गलत हो गया। ऑप्शन बी में हाँ भाई 2:3 बन रहा है क्या, नहीं, देखे आप ऑप्शन बी में भी नहीं बन रहा, तो दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी कट गए, बचे दो ऑप्शन, इनमें देखो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी 2:3 बन रहा है, फिर आप देखो बी अनुपात सी देखो 2:1 बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 2:1 देखो यहाँ पर काटेंगे आप 3 से काटेंगे 3 × 2 = 6 और 3 × 3 इसी में बन रहा है, तो आपका आंसर बना, देखो इसमें नहीं बन रहा 2:1 इसमें नहीं बन रहा, इसलिए नहीं है ये आंसर, समझ में आया क्यों नहीं है, क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, हाँ भाई दोस्तों क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, यस और नो में जवाब दें आप मुझे प्लीज, और यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें आप फटाफट से, यदि आप समझ रहे हैं और लग रहा है कि यस हमारा आंसर 2 से 3 सेकंड में बन रहा है तो आप लाइक जरूर करें प्लीज वीडियो को, ठीक है। हाँ भाई, और जो भी स्टूडेंट माई नोट्स अड्डा पे देख रहे हैं मुझे फटाफट YouTube पे आ जाएं, YouTube चैनल पे आ जाएं फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूं और आप लोग को ही करना है फटाफट से, तैयार है आप लोग। पर उससे पहले जब दूंगा मैं क्वेश्चन, जब हमारे ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है फटाफट से, ठीक है। यदि आपको लग रहा है हाँ भाई कुछ सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से हम लोग, ठीक है, तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम फंडा के नाम से है यूट्यूब चैनल, ठीक है। और जो स्टूडेंट फेसबुक पे देख पा रहे हैं मुझे, काफी स्टूडेंट फेसबुक पे देख पा रहे हैं, तो उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं फटाफट से, वहीं आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा मैं, यस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ओके। बिल्कुल ये एग्जाम के ही प्रश्न है दोस्त मेरे, ठीक है SSC के प्रश्न करा रहा हूं मैं। हाँ भाई नितिन जी अभी देखेंगे, ठीक है इधर देखो आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और आप लोग करेंगे फटाफट, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2a = 3b = 4c, ठीक है 2a = 3b = 4c, फोर सी हो तो आपको फाइंड आउट करना है a अनुपात b अनुपात c, ये आपको फाइंड आउट करना है,
ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन ए है 2:4:3, ठीक है, ऑप्शन बी है 6:4:3, ठीक है, ऑप्शन सी है 5:2:10, ठीक है, फटाफट से करें आप लोग। हाँ भाई, यस, ओके, वेरी गुड, धन्यवाद, अच्छा है हमारा पंडा, वेरी गुड, थैंक यू। पर आंसर बताएं आप लोग फटाफट से, यस, वेरी गुड। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें आप, ठीक है, लग रहा है कि यस हम कुछ सीख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यस यहां से कुछ फायदा मिल रहा है, ठीक है, प्रश्नों को फटाफट से उड़ा रहे हैं आप लोग देखते ही। ध्यान रखेंगे एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एसएससी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, एसएससी में आए हुए प्रश्न है, आप नहीं मानो तो आप देख लेना, किरण पब्लिकेशन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, या फिर एमबी पब्लिकेशन में कोई भी एसएससी के आए हुए प्रश्नों को देखना, ये सब आपको दिखने वाले हैं, वहां से ही लेके आया हूं मैं कोई अलग से नहीं लेके आया हूं, ध्यान रखें मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप देखेंगे फटाफट फटाफट, वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आपको लग रहा है तो आप फटाफट सब्सक्राइब भी करें, देखो चैनल को, ठीक है, और लाइक करें फटाफट। हाँ भाई, कैसे मान का फंडा कैसे समझ में नहीं आ रहा, हाँ भाई बताओ, कोई डाउट है, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप, देखो कुछ नहीं करना, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सर आपने ए की जगह बी क्यों लिया, बी की जगह ए क्यों लिया, अरे मेरे दोस्त आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2a = 3b = 4c, ठीक है, तो आप यहां से 2, 3, 4 का एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आप देखेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, बात वही है, वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, फिर आप सॉल्व करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो ए की जगह 6, बी की जगह 4, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, या फिर और भी तोड़ सकते हैं इसको, 2:3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फटाफट, ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे आया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर 2:5, इधर देखें आप, तो ए की जगह बी का मान रखेंगे, बी की जगह ए का मान रखेंगे, देखो ये ए की जगह बी का मान और बी की जगह ए का मान, तो आप देखें यहां पर ए अनुपात भी बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, 3:2 बन रहा है कि नहीं, ए अनुपात भी कितना बन रहा है, 3:2। अब ऑप्शन ए में, अच्छा ऑप्शन डी नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ऑप्शन डी है इसका, इनमें से कोई नहीं नोटा, ठीक है, ये ऑप्शन डी, देखो आप ए अनुपात भी कितना है, 3:2 क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, ऑप्शन ए गलत, ठीक है, ऑप्शन बी 3:2 बन रहा है कि नहीं, देखो आप यदि 2 से काटेंगे तो देखो 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, मतलब बन रहा है ऑप्शन बी बन रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत। अब आप और चेक कर ले आगे का, ये बी अनुपात सी, यहां पर देखो बी अनुपात सी की यदि हम बात करें तो देखो बी की जगह सी का मान और सी की जगह बी का मान, तो यहां पर कितना बन रहा है, 4:3, कितना बन रहा है, 4:3, तो ऑप्शन बी में देखो 4:3 बन रहा है कि नहीं, आपका आंसर ऑप्शन बी हुआ, समझ में आया, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल, ये छोटे छोटे प्रश्न आप देख रहे होंगे, ठीक है, प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करेगा, पर एक स्टूडेंट इन्हीं प्रश्नों को 20 से 30 सेकंड के अंदर करेगा और एक स्टूडेंट फटाफट देख के 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन कर देगा, समझ रहे हैं आप, देख पा रहे हैं किस तरीके से करना है प्रश्न को, हाँ भाई यस और नो में जवाब दो आप मुझे, क्लियर है कि नहीं, और भाई यदि आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ठीक है, ये काम तो करना पड़ेगा आपको। यदि आपको लग रहा है कि वास्तव में हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी पूरी टीम अच्छा पढ़ा रही है, तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा, हाँ भाई फटाफट से लाइक देख रहा हूं, बहुत कम लाइक है, ऐसा क्यों भाई, आपको पता है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, ऑप्शन से प्रश्न को करना सिखा रहा हूं, ठीक है, उसकी डिटेल भी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, फिर भी इस तरीके से, अब देखो इसको आपको सॉल्व भी करना है कि नहीं सर हमें तो सॉल्व करना है, तो कोई नहीं बेटा सॉल्व भी कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका भी आने चाहिए आपको सॉल्व करने के, वो भी मैं बता देता हूं आपको, परेशान नहीं होना। देखो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है, ए अनुपात बी कितना है, 3:2, बी अनुपात सी कितना है, 4:3, ठीक है। अब यहां पर बी कॉमन है तो बी को बराबर करेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर दो, बराबर हो गया, ठीक है, इसको 2 से तो इसको भी 2 से कर दो, कितना हुआ, 3 × 2 = 6 हुआ, कितना हुआ, 3 × 2 = 6 और 4 और ये कितना, 3, आपका आंसर बन गया, ये लो आपका आंसर, क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ भाई क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं और अच्छे लेवल के प्रश्नों पे। अच्छे बच्चे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जग रहा है उनके लिए आया हूं मैं, तो
सो रहे हैं उनको तो सोने दो दोस्त मेरे हैं, ठीक है, जो सो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सोने वालों के लिए थोड़ी ना आया हूं, जो जग रहे हैं उनके लिए आया हूं मैं तो, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, एग्जाम में आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम देख लो आप, चाहे SSC देख लो, बैंक देख लो, कोई भी देख लो आप, ठीक है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की संख्या में भरे जाते हैं, और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, हजारों की संख्या में, ठीक है। अभी आपने देखा होगा रेलवे में खूब फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, रेलवे के अंदर NTPC ग्रुप डी में खूब करोड़ों फॉर्म भरा हुआ है, और वैकेंसी कितनी है, 60,000 65,000 इस तरीके से, लास्ट दोनों को मिलाकर 1,00,000 वैकेंसी है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये 90 जो लाख है वो खा जाएंगे भाई, तो सो ही रहे हैं, जो जग रहा है वही तो सिलेक्शन लेगा, ठीक है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, जो जग रहा है उनके लिए आया हूं मैं। नोट्स आपको बेटा मैं फिर कह रहा हूं, माई नोट्स अड्डा है हमारा, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, फेसबुक पेज है वहां से मिलेंगे, आपको परेशान नहीं हो, एक बार आप पढ़ तो ले, सीख तो ले आप। ओके धन्यवाद, आप ड्यूटी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, माई नोट्स अड्डा पे से मिलेगा आपको, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, ठीक है, अच्छा क्लियर समझ में आया, तो ये 99 लाख बच्चे खा जाएंगे भाई, ठीक है, समझ रहे नहीं आप, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है, चीजों को समझ रहा है, ठीक है, जो सो रहे हैं सोने दो, आप जग रहे हो तो आप पढ़ ले बस, ठीक है, और जगाने की कोशिश करें लोगों को, ठीक है, कि सर की क्लास 3 बजे भी होती है, ठीक है, मैं कल से और अनाउंसमेंट कर दूंगा, जो मेरी 8 बजे की क्लास है सुबह 8:30 बजे की, उसमें अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मेरी क्लास अब 3 बजे भी हुआ करेंगे, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है, समझ में आ गया, बुक को देखो बेटा आप कोई भी बुक ले लें, ठीक है, पर आप तरीके अच्छे करें बस, ठीक है, आप कोई भी बुक खरीद ले, पिछले साल के प्रश्नों की खरीद लें, काफी मार्केट में बुक आती है, ठीक है, तो आप कहीं से बुक ले लें, पिछले साल के क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है, बस आपके तरीके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और कोई, हाँ भाई क्लियर है, और कोई डाउट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वहां पर परसेंटेज चल रहा है सुबह, ठीक है, यहां पर आपका अलग अलग टॉपिक ले लेंगे हम, ठीक है, अभी अनुपात समानुपात की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस टॉपिक की भी पहली क्लास है भाई, और बोलो, यस भाई, हाँ भाई बुक की जरूरत इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेंगे आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए बुक की जरूरत है, ठीक है, आप कोई भी बुक ले लें मार्केट से, काफी बुक आती है, पिछले साल के क्वेश्चन है सब एक दूसरे से इधर उधर से ही है, ठीक है, आ रहे नहीं समझ, पिछले साल के क्वेश्चन की बुक ले लें प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, बस तरीके अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, बल्कि क्वेश्चन काफी क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा यहाँ पर, आपको परेशान नहीं होना। हाँ भाई, हाँ भाई सभी कर दें आप, बॉयज गर्ल्स जो भी है, ठीक है, प्लीज लाइक जरूर करें, ओके ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई देखिए आप क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, देखो आगे बढ़ने वाले हैं हम, देखो क्वेश्चन, और ये आपके SSC CGL 2000 प्री में आया हुआ प्रश्न है, देखेंगे आप लोग प्रश्न क्या है, अब देखो यहां पर किस तरीके से प्रश्न आया है और कैसे करेंगे, देखें आप क्वेश्चन है, और ये SSC CGL 2017 प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसे ही बना रहे हो, ठीक है, तो बेटा ऐसा करना, जो पिछले साल के करंट के पेपर है 2017 वाले में देखना आप, न्यू एडिशन वाले में आपको ये प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है, आप जो भी प्रश्न करा रहे हो सब दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, आपको ये सब प्रश्न दिखेंगे, ठीक है। अब ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है, 7/5R, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 3:2:5, ऑप्शन बी है 3:35:14, ऑप्शन सी है 5:7:5, ठीक है 5, और ऑप्शन डी है 35:6:15, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये SSC में आया हुआ प्रश्न है दोस्त मेरे। अच्छा गणित के किंग बनने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है, आ रहे नहीं समझ में, पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप किंग बन पाओगे,
चीजों को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे रखने पड़ेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अब एक स्टूडेंट इस प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में करेगा, फटाफट आंसर दे देगा, और एक स्टूडेंट इसी प्रश्न को आप देखेंगे काफी टाइम ले लेगा, 1 मिनट तक का समय ले लेगा। ठीक है, अब देखो करने के तरीके में फर्क है। अब देखो आपको किस प्रकार से करना है। देखिए आप, यदि आपको ऑप्शन चेक करना आता है तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा क्रॉस गुना करें। ठीक है, इसको सीधा क्रॉस गुना करेंगे तो देखो यहां पर इसको सीधा क्रॉस गुना करेंगे यहां पर तो देखो यहां पर इसको, ठीक है, तो आप देखें यहां पर ये कितना हुआ, 3 × 2 = 6 और 7 × 5 = 35। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहां पर, देखो यहां पर 3 × 2 = 6 होगा तो 6p बराबर, इधर देखें 7 × 5 = 35, 35q। ठीक है, या फिर पी अनुपात क्यू कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहां पर पी अनुपात क्यू बन रहा है, पी की जगह क्यू का मान, क्यू की जगह पी का मान, 35 × 6 बन रहा है कि नहीं। अब आप ऑप्शन ए में देखो, क्या ऑप्शन ए में 35 है क्या, 6 है क्या, नहीं है, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में देखो आप 35 × 6 है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी में देखो आप, ऑप्शन सी में नहीं है। और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी में आपका आंसर बन रहा है कि नहीं। हाँ भाई देख ले आप फटाफट, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आपका आंसर यहां से बन रहा है तो आप आगे क्यों जाए भाई, क्यों चेक करें आप। ठीक है, आपको आंसर ही तो देना है भाई, तो आप देखें विद इन 5 से 6 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आपका, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, या फिर आपको सॉल्व भी करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। यहां पर देखो इसको भी आप क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, तो आप देखें यहां पर कितना हुआ, 7 × 35 और 7 × 2 = 14, मतलब क्यू अनुपात आर, ठीक है, तो 35 अनुपात, ठीक है, यहां पर देखो 7 × 35 q, ठीक है, और 7 × 2 = 14 r, 35 q और ये 14 r आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो q अनुपात r यदि निकालोगे आप तो कितना होगा, q की जगह r का मान और r की जगह q का मान, तो आप देखिए यहां पर q अनुपात r कितना बन रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर q अनुपात r की यदि हम बात करें तो कितना बनेगा, 14 × 35, या फिर 7 × 14 और 7 × 35 2 × 5 बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, देख लो आप, ये 2 × 5 है कि नहीं। हाँ भाई 3 से काटेंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 2 × 5 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, क्लियर है आपका आंसर बना कि नहीं, क्लियर है भाई। और आप सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई डन है, यस और नो, क्लियर, ओके, समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है, अच्छी बात। प्लीज लाइक करें आप, लाइक बहुत कम है। ओके वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। आप इसको तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहो कि सर हमें तरीका भी बताओ तो आप बिल्कुल तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर देखो पी अनुपात क्यू आ गया और क्यू अनुपात आर आ गया, ठीक है, तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, भाई आपने निकाला P अनुपात Q आ गया, 35 × 6 निकाला, ठीक है, और Q अनुपात R आपने निकाला 2 × 5 निकाला, तो आपको PQR निकालना है, तो P अनुपात Q अनुपात R यदि निकालना है तो P अनुपात Q है 35 × 6 और Q अनुपात R कितना है, 2 × 5। अब आपको मालूम है Q कॉमन है, Q को इक्वल करना है तो इसको 3 से गुना कर दो, इसको भी किससे कर दो, 3 से, तो यहां पर देखो 35 और ये कितना बनेगा, 6 और ये कितना बनेगा, 15, ये भी आपका आंसर बना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका आंसर कितना बना, 35 × 6 = 15, क्लियर है। हाँ भाई यस और नो में जवाब दो आप मुझे, समझ में आया कि नहीं। हाँ भाई अच्छा कम बेटा कोई नहीं, आगे देख लेंगे। सर यूपीएससी के लिए तैयारी हो सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पूरा सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे सबकी क्लासेस चल रही हैं, जीके की क्लास चल रही है, साइंस आज साइंस एंड टेक की भी क्लास चालू हो गई थी, ठीक है, रीजनिंग हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स चली रही है आपकी, सी सेट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सी सेट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई और कोई, बिल्कुल औसत की भी क्लास होगी। हाँ भाई समझ में आए, और कोई डाउट है आपका, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं नितिन गुप्ता जी, ठीक है, अच्छा नितिन गढ़े जी, ओके
रेलवे की बेस्ट बुक, तो बेटा आप कोई भी रेलवे के पिछले साल के क्वेश्चनों की जो बुक है वो ले लें आप, प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है, तरीका आप सीख लें, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लें। हाँ भाई, फटाफट से आप लाइक कर दें और एग्जाम फंडा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूं क्वेश्चनों का, पर उससे पहले एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल देखता हूं एक बार, मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में किस किसने अभी इसको सब्सक्राइब किया है, ठीक है, फटाफट। देखो थोड़ा सा आपको हमारे बारे में भी सोचना पड़ेगा दोस्त, जब हम हमारी नींद खराब करके, भाई बहुत से लोग सो रहे पर हम नींद खराब करके आ रहे हैं आपके लिए 3 बजे, बल्कि मेरी क्लास सुबह होती है, फिर भी मैं आज 3 बजे आया, मैंने कि नहीं और भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा और फटाफट से शेयर कर दें आप लोग, ठीक है, और लाइक करें, देखो लाइक बहुत कम है, इसको सब्सक्राइब कर लें। हाँ भाई, किन किन लोगों ने अभी जस्ट सब्सक्राइब किया है चैनल को, फटाफट बताएंगे। ओके, वेरी गुड, फटाफट किन किन लोगों ने किया है तभी क्वेश्चन आने वाला है, और अब देखो और भी अच्छे वाला क्वेश्चन आने वाला है, देखिए आप धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करें आप, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं एक बार चैनल को, फटाफट कर लें आप लोग, ठीक है, और प्लीज यदि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है मजा आ गया, ठीक है, तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें आप, ठीक है, ताकि काफी क्वेश्चन करने वाला हूं अभी, बिल्कुल 5 बजे तक क्लास लेने वाला हूं, अभी पूरा 1 घंटे है, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी इसमें, नो डाउट, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। ओके, पर आप थोड़ा सा सहयोग करें हमारा, ठीक है, लाइक जरूर करें और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें आप फटाफट, ठीक है। ओके, आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी लाइक करें आप, नहीं लग रहा तो देखो किसी एक बंदे ने डिसलाइक किया है, मतलब उनको हमारा पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए किया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, धन्यवाद उसके लिए भी, धन्यवाद, ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हाँ भाई, बिल्कुल रोज क्लास होगी अब मेरी 3 बजे से। हाँ भाई, और कोई डाउट है आपका करें। ओके, पर प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें आप, लाइक और शेयर मार दो आप, फेसबुक पे, ठीक है, इंस्टा पे, सही कहां जहां मार सकते हो आप, प्लीज शेयर मार दो आप। देखो किन किन लोग, कौन कौन लोग शेयर कर रहा है एक बार फटाफट बताइए आप मुझे, शेयर बताओ किन किन लोगों ने शेयर किया है वीडियो को फटाफट से। भाई यदि आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं, चीजों को विद इन सेकेंडों में बताना सिखा रहा हूं मैं, तो प्लीज आपको शेयर करना पड़ेगा, शेयर करें भैया, इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत कम लोग देख पा रहे, इतने लोगों से काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है, 4 बज गए अब तो जग गए होंगे, ठीक है, 4 बज चुके हैं, ठीक है, अब जग जाओ भैया, अब सोने का समय नहीं है, अब जग जाओ, अब पढ़ने का समय है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने आना हूं, वेरी वेरी गुड, देखो यहां पर बोल रहे हैं शेयर कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, एग्जाम कब होगी इसका मुझे पता नहीं है, ना मैं कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, ठीक है, ना मैं कोई मंत्री संतरी हूं, मुझे कोई पता नहीं है कोई एग्जाम कब होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कोरोना चल रहा है भैया, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ठीक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको बिल्कुल घर पर बैठ के तैयारी करनी है, परेशान नहीं होना, ज्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है, सर एग्जाम कब होगी, ठीक है, क्या हो गया, अरे भैया सबकी होगी जब आपकी होगी, सीधी सी बात, जब सबकी एग्जाम होगी तब आपकी होगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, और ये आपको मालूम है जब होगी, ठीक है, पर होगी जरूर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां हैं, ठीक है, इनको मिटा नहीं सकते, ठीक है, तो एग्जाम तो होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है, बस आप थोड़ा सा जुड़े रहें, पेशेंस बनाए, बस घर पर पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ओके, करें हम क्वेश्चन, जुड़ जाओ, इधर देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्या है प्रश्न, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब आगे कर लेना, पर कर जरूर लेना, समझ रहे नहीं आप, क्लियर है, बढ़ जाऊं आगे, तो देखो क्वेश्चन क्या है। देखिए आप, जैसे कि क्वेश्चन है, ये सब आए हुए प्रश्न है, बस अपने अपने देखने का नजरिया है, जैसे कि ए अनुपात बी है यहां पर 7/9 है, ठीक है, अब देखो कितना सीधा प्रश्न है और स्टूडेंट आप इसको विद इन सेकंडों में करेगा, बी अनुपात सी है 3/5
और आपसे पूछा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखें यहां पर ऑप्शन ए है 7:9:15, आप खुद बता देंगे, और बी अनुपात सी है यहां पर 21:35:14, ठीक है 45 ठीक है। और ऑप्शन सी है आप खुद बता देंगे 7:9:5, ठीक है। और ऑप्शन डी है 7:3:15, ठीक है। देखिए आप खुद बता देंगे ऑप्शन से, फटाफट लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, ऑप्शन डी ऑप्शन ए वेरी गुड, देखते हैं अभी कौन सा, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। देखो आप, हाँ भाई समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें आप लोगों के बीच और लाइक करें आप, हाँ भाई वेरी गुड आंसर आ रहा है लोगों के, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखते हैं अभी किन लोगों का सही है, ठीक है। देखिए आप देखो यहां पर ये ए अनुपात भी 7:9 है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अंश बटा हरी तो होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होता है, अनुपात का मतलब अंश बटा हरी है, ठीक है। अंश बटा क्या होता है, हर, जैसे कि ये ए अनुपात भी है तो यहां पर ए अंश और बी हर है, अनुपात में लिखोगे क्या लोगोगे, ए अनुपात भी लिखोगे, तो यहां पर ये अंश होता है और ये क्या होता है हर, भाई अनुपात होता क्या है, अंश बटा हरी होता है, आगे वाला अंश पीछे वाला हर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए अनुपात भी देख रहे हैं आप, ठीक है ए अनुपात भी क्या है यहां पर देखें आप, तो ए अनुपात भी कितना है 7:9 है, ठीक है ए अनुपात भी कितना है 7:9 ही तो है, ठीक है। तो ए अनुपात भी 7:9 ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है हो सकता है ऑप्शन बी देखो इसमें है क्या 7:9 है क्या, अरे भाई इधर देखिए आप, ठीक है आप 3 से काटेंगे तो 3 से देखो 7 21, ठीक है कि नहीं, पर ये 3 से कटेगा कटेगा ही नहीं, कटेगा के नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी गलत हुआ। हाँ ये हो सकता है ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी देखें आप नहीं है। तो अब दो आंसर हो सकते हैं, दो में से देखना है आपको कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन ए सही है ऑप्शन सी सही है। फिर देखो आप बी अनुपात सी, तो आप देख रहे हैं यहां पर बी अनुपात सी कितना है 3:5, ठीक है। अब देखो यहां पर 3:5 इसमें देखें आप 3 से काटेंगे 3 3 और 3 5 15, तो आपका आंसर बना ऑप्शन ए बन गया, क्या बन गया ऑप्शन ए बन गया, ठीक है अच्छा 3:5। इधर देखें आप यहां पर ऑप्शन ए बना के नहीं, अब बहुत से लोगों का ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, देखिए आप ऑप्शन सी नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहां पर ये 3:5 बन रहा है तो ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। समझ में आया क्यों है ऑप्शन ए, हाँ भाई समझ में आया कि नहीं क्लियर। और जब भी आप लोगों को लगता है कि सर हमें तो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो बिल्कुल बेटा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करना है, ए अनुपात भी कितना है 7:9, बी अनुपात सी कितना है 3:5, ठीक है आगे समझ में, ठीक है। क्योंकि कई कई बार हर जगह ऑप्शन भी नहीं लगता है, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब आपको मालूम है बी कॉमन है तो इसको 3 से गुना कर दो, तो इसको भी किससे गुना कर दो 3 से, तो आप देखेंगे यहां पर 7 और ये 9 और ये 5 दिया 15, ये आपका आंसर बना, क्लियर है आगे समझ में वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो और भी बड़े क्वेश्चनों की ओर आ रहा हूं मैं, ठीक है क्लियर, अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें आप, फटाफट शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। हाँ भाई और कोई डाउट है, नहीं है डाउट, देखिए आप अब देखो क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि ए अनुपात बी है 3:4, ठीक है बी अनुपात सी है, आप देख तो पा रहे हैं यहां पर ये लाइव लिखा हुआ था, देख लो ए अनुपात बी है यहां पर 3:4, बी अनुपात सी है 8:10 और सी अनुपात डी है 15:17, और आपसे पूछा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं, ठीक है तो देखो स्टूडेंट कई कई बार 2 से 3 मिनट का समय ले जाता है, ठीक है, और बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा आंसर बन गया। अब भाई देखो बेटा यदि उसने 2 मिनट में या 1 मिनट में प्रश्न सॉल्व किया है
एक स्टूडेंट उसी प्रश्न को एक मिनट में सॉल्व कर रहा है और एक स्टूडेंट उसी प्रश्न को पांच सेकंड में सॉल्व कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। एक बार आप इसको विदाउट ऑप्शन करके देखो, देखो कितना आंसर आ रहा है, एक बार मुझे बताओ, तब पता चलेगा कि देखो किस तरीके से सॉल्व होता है। एक बार आप मुझे विदाउट कैलकुलेशन करके बताओ, विदाउट ऑप्शन बताएं इसका आंसर आप मुझे, तब पता चले आपको हाँ भाई कैसे आ रहा है आंसर। हाँ भाई एक बार करेंगे आप लोग, चलो मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप यदि ऑप्शन नहीं है तो देखो कुछ इस प्रकार से करोगे आप लोग, कैसे करोगे कि भाई ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको निकालना है। ए अनुपात बी कितना है, तीन अनुपात चार, बी अनुपात सी कितना है, यहां पर आठ अनुपात दस, ठीक है, और सी अनुपात डी कितना है, पंद्रह अनुपात सत्रह, ठीक है। अब देखो ज्यादातर लोगों के तरीके कैसे होते हैं, ज्यादातर लोगों के तरीके पहले इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है, ये गुना ये गुना, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ठीक है, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये गुना करते हैं, इस तरीके से गुना करते हैं, ठीक है। फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहां पर जगह खाली है तो इसको इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, यहां पर जगह खाली है तो इसकी जगह ये लिख दिया, यहां पर जगह खाली है तो इसकी जगह ये लिख दिया, यहां पर जगह खाली है तो क्या लिख दिया, पंद्रह, और ये भी क्या लिख दिया, पंद्रह, फिर इसको गुना कर रहे हैं इनको, फिर आंसर लेके आ रहे हैं। अरे भाई इतना टाइम है किसके पास, एक यही प्रश्न थोड़ी ना करना है, और भी प्रश्न तो करने। तो देखो बेटा अब थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा, अब प्रश्नों को देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से आंसर देना है। देखो तरीका भी यूज करना है, पर तरीका भी थोड़ा तरीके से यूज करना है, ठीक है, तरीके से थोड़ा तरीका भी यूज करना है, ठीक है। तो देखो इन्हीं प्रश्नों को आप किस प्रकार से करोगे, तो तरीका भी समझ लें आप पहले, ठीक है, फिर हम ऑप्शन की तो बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो बी अनुपात सी कितना है, देखो कितना है, आठ अनुपात दस है, ठीक है, सी अनुपात डी कितना है, यहां पर पंद्रह अनुपात सत्रह। अब देखो बेटा इधर इधर देखना, देखो पहले सिर्फ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था, पहले क्या था, सिर्फ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था क्या, नहीं, ठीक है, सिर्फ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था क्या, नहीं पहले, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तो आप देख रहे हैं यहां पर बी और सी कॉमन है, क्या है, बी और सी कॉमन है, ठीक है, क्या है, यहां पर बी और सी कॉमन है, तो भाई बी और सी को आपको बराबर करना है, तो बी को बराबर करेंगे, इसको किससे गुना करें, दो से गुना करें, तो यहां पर बराबर हो गया, पर इसको दो से तो इसको भी दो से गुना किया, ठीक है। अब आप सी को बराबर करेंगे तो यहां पर इसको किससे गुना करेंगे, आप इसको तीन से गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, दो से, पर इसको दो से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे, आप दो से करेंगे, ठीक है, यहां पर इसको तीन से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे, आप तीन से गुना करेंगे, ठीक है, या फिर यहां पर भी काट सकते हो आप, ठीक है, इसको तीन से करेंगे तो इसको भी तीन से करेंगे, और इसको भी किससे करेंगे, तीन से, तो यहां पर तीन तिया के नौ, नौ दुनी अठारह, ठीक है, और आठ तिया के चौबीस, पंद्रह दुनी तीस और सत्रह दुनी चौतीस। अब ये सब दो से और कट रहे हैं तो दो से और काट लो आप, यहां पर देखो नौ और ये कितना बना बारह, और ये कितना बना पंद्रह, और ये कितना बना सत्रह, ये आपका आंसर बना है, नौ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह अनुपात सत्रह, ये तो हुआ तरीका, ठीक है। अब देखो बेटा ऑप्शन यदि आपको दे रखे हैं तो आपको ये सब नहीं करना है, अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे वो भी देख लें आप, ऑप्शन ए है नौ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह अनुपात सत्रह, कैसे करेंगे देख लें आप, ऑप्शन बी है नौ अनुपात पंद्रह अनुपात बारह अनुपात सत्रह, ऑप्शन सी है नौ अनुपात सत्रह अनुपात बारह अनुपात पंद्रह, ऑप्शन डी है नौ अनुपात पंद्रह अनुपात सत्रह अनुपात बारह। देखो आप ऑप्शन ए तीन अनुपात चार, ए अनुपात भी कितना है, यहां पर तीन अनुपात चार बन रहा है कि नहीं, देखें आप यहां पर ए अनुपात भी कितना है, तीन अनुपात चार, ऑप्शन ए में देखो क्या तीन अनुपात चार बन रहा है कि नहीं, देखो आप तीन से काटेंगे तीन तीन हो और तीन चौके बारह बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, क्या इसमें बन रहा है क्या तीन अनुपात चार, नहीं बन रहा है तीन अनुपात पांच, ऑप्शन बी गलत, क्या ऑप्शन सी में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्या ऑप्शन डी में बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। आपका आंसर फटाफट कितने सेकंड में आया बोलो, कितने सेकंड में आया आंसर बताए, कितने सेकंड में आया आंसर फटाफट बताओ, कितने सेकंड में आया, दो से तीन सेकंड में आंसर आया, कितने सेकंड में, दो से तीन सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया। ये सब कुछ नहीं करना आपको, क्यों हम टाइम दें भाई, जब हमारा प्रश्न दो से तीन सेकंड में आ रहा है तो हम क्यों टाइम दें, समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, हाँ ना बोले आप। ऑप्शन देने वाला हूं मैं आपको फटाफट, एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, हाँ भाई एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, पर उससे पहले आप लाइक पहुंचाएं कम से कम सौ से ऊपर, ठीक है, सौ से ऊपर लाइक पहुंचाएं आप, ठीक है, और फटाफट शेयर करें आप, ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है,
देख पा रहे हैं आप? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? देख पा रहे हैं आप लोग? समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्त मेरे? सब कुछ क्लियर है आपके? समझ रहे हैं आप कैसे प्रश्नों को तोड़ रहे हैं? यस और नो में जवाब दो आप मुझे। हाँ भाई, यस और नो में जवाब दो प्लीज। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लीज हाँ भाई फटाफट आप सब्सक्राइब करें। आप यदि समझ में आ रहा है तभी दूंगा मैं अगला क्वेश्चन, जब हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। हाँ भाई, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो तभी आगे का प्रश्न देने वाला हूं मैं और तोड़ने वाला हूं विद इन सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में प्रश्न को बताने वाला हूं कैसे हो रहा है। पर उसके पहले आप इसको सब्सक्राइब करें आप फटाफट, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किन किन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तभी देने वाला हूं 2 से 3 सेकंड में प्रश्न को। हाँ भाई फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप, ठीक है? हाँ भाई फटाफट सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप प्लीज, प्लीज फटाफट से। हाँ भाई फटाफट करें, 2 मिनट का समय आपके पास, 2 मिनट में भी रेस्ट कर लेता हूं। पर आप क्या करेंगे, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप फटाफट। ध्यान रखें अभी अभी 45 मिनट की क्लास और बची है मेरी, 45 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और ABCDE बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी। पर उससे पहले आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें आप, ठीक है, और लाइक करें आप। यदि आपको मजा आ रहा है, प्रश्नों को विद इन सेकंडों में निकालना आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें आप, फटाफट लाइक ठोक दें आप। हाँ भाई करेंगे आप लोग, शेयर कर दें वीडियो को, और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें आप फटाफट से। समय है आपके पास 2 मिनट का, ठीक है, मैं चुप हो रहा हूं, 2 मिनट रेस्ट कर रहा हूं। मेरा नाम है त्रिलोक शर्मा है मेरा नाम, बिल्कुल प्लेलिस्ट बनेगी आप लोगों की। और बोलो और पूछे कुछ भी? वेरी गुड, धन्यवाद, हमारी मैथ बहुत अच्छी है, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। और कोई डाउट? हाँ भाई सब्सक्राइब करें इसको आप। और कोई डाउट आपका प्लीज शेयर करें। सब्सक्राइब कर लिया नहीं आप लोगों ने? हाँ भाई एक बार बताना सर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। भाई मैं भी आपके लिए गला पाड़ रहा हूं, तो कुछ तो मुझे मिलना चाहिए आप लोगों से। हाँ भाई और प्रश्न बताने वाला हूं आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है, बिल्कुल टेंशन में मत आओ आप। हाँ भाई फटाफट, वेरी गुड, हाँ भाई ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। हाँ भाई प्लीज सब्सक्राइब करें आप। हाँ भाई एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें आप। देखो जब हम आपके लिए 3 बजे आ सकते हैं, ठीक है, दोपहर में पढ़ाने के लिए पहले ही कर लिया बहुत अच्छी बात, तो थोड़ा सा तो आपको भी सोचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, करें प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ऐसा ना करें आप। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आपको कुछ हमारे चैनल से मिल रहा है तब सब्सक्राइब करें, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नहीं करें आप, और डिसलाइक और कर दे, अनसब्सक्राइब और कर दे यदि आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो। पर यदि मिल रहा है, ठीक है, कमेंट में पढ़ रहा हूं सभी लोगों के, ठीक है, तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी ना रखें आप, और भी लोगों को बताएं, वीडियो को शेयर कर दें आप, ठीक है, समझ रहे नहीं आप लोग? हाँ भाई इसको करें आप फटाफट से प्लीज। यस वेरी गुड, कर लिया है आर लेडी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कर लिया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है उनकी बोल रहा हूं मैं, कर लिया है वो तो धन्यवाद के पात्र हैं वो तो लोग। पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ भाई और प्लीज जो बच्चे अभी भी मैं देख रहा हूं कि भाई फेसबुक पेज पे क्यों हो भैया आप, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, अभी मैं फेसबुक पेज देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, आ रहे नहीं समझ में? मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो इसलिए आपको यदि कमेंट करना है तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाए, और कमेंट नहीं करना है तो आप बने रहे, यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा के नाम से है उस पर आ जाए आप लोग। हाँ भाई फटाफट से,
चलो ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न और लाइक करें आप वीडियो को फटाफट, 100 से ऊपर पहुंचाएं इसको। जब मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेके आ रहा हूं, चीजों को फटाफट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो करें, नहीं कोई दबाव नहीं है आपको ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 3 बजे का भी टाइम रहेगा, सुबह का भी टाइम है और दिन का भी टाइम है। निशा जी, और कोई डाउट पूछ लें आप किसी भी तरीके का, अंत आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ भाई, और कोई डाउट बढ़े आगे। ओके, सुबह का भी टाइम है मेरा, 8:30 बजे का टाइम है, वहां पर परसेंटेज पढ़ा रहा हूं मैं, रेगुलर क्लास चल रही है। ठीक है, सुबह 8:30 बजे का टाइम है मेरा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस चल रही है वहां से। ठीक है, पर यहां पर भी मैं आज आपको बिना बताए आ गया मैं। ठीक है, थैंक यू। और दोपहर में भी मेरी क्लास 3 बजे से रहेगी, 2 क्लासेस स्टार्ट है मेरी। ठीक है, दोनों क्लासेस आप पढ़े थोड़ा सा। ठीक है, दोपहर का टाइम है पर अब सोने का टाइम नहीं है बेटा, ध्यान रखें। देखो, जो सोएंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, सोए आप बिल्कुल। ठीक है, रात पड़ी होती है सोने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सोए भी, आराम भी करें, रेस्ट भी करें, पर आप प्लीज पढ़ते भी रहें। ठीक है, हाँ भाई, और कोई दिक्कत आपको, आपने सब्सक्राइब लाइक कर लिया है, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा। और कोई डाउट? हाँ भाई, करें स्टार्ट। और कोई डाउट है किसी का? हाँ भाई, शेयर कर दो वीडियो को प्लीज। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें आप और लाइक भी करें आप। 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए, 1.25 घंटे के आसपास हो चुका है। वेरी गुड, क्लियर कर रहा हूं तो अच्छी बात है। आप रेगुलर रहें, पता चल जाएगा आपको। सुबह 7:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सब कुछ पता चल जाएगा कब है टाइम, कौन सी क्लास का टाइम कब है। हाँ भाई, आ जाए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, और देखेंगे प्रश्न है क्या। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इधर देखो, और आप लोग फटाफट आप खुद ही कर देंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना आप अभी अभी सेकंडों में आंसर लेके आने वाले हो, और यदि सेकंडों में आंसर आ गया आपका तो बेटा कम से कम 150 लोग सब्सक्राइब करना। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को तगड़े तरीके से। यदि आपसे खुद से 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाए तब, यदि नहीं आए तो मत करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, देख लें आप। ए अनुपात बी है 1:2, बी अनुपात सी है 3:4, प्रश्न को तसल्ली से देखेंगे, सी अनुपात डी है 5:6, और आपको फाइंड आउट करना है, देखो आपको फाइंड आउट करना है डी। चलो इसको बाद में करेंगे, इससे पहले दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ए अनुपात बी, नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है, इसको करना आप। 3:4, बी अनुपात सी है 8:9, उस प्रश्न को भी करेंगे अभी, और आप ही करेंगे, और सी अनुपात डी है यहां पर 15:16। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है, फटाफट ऑप्शन देखते ही ठोक देना आप आंसर, 30:48:45:40। ऑप्शन बी है 30:40:45:48। ध्यान रखें आप, पूरा तरीके से समझ के करना आप, होश वास में क्वेश्चन करना, जल्दबाजी ना करें आप, आंसर सही आना चाहिए।
30, 45, 40 और 48, और ऑप्शन डी है नोटा, नन ऑफ दीज, नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर बता दें आप लोग, फटाफट आंसर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग फटाफट। एग्जाम एफ ए एन डी ए, ध्यान रखना ये एफ ए एन डी ए, नॉट फॉर एफ यू एन डी ए, क्या है एफ ए एन डी ए है, ठीक है, ये ए का ध्यान रखेंगे आप, एफ ए एन डी ए। यस करें आप, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आंसर पता चल रहा है नहीं, दो से तीन सेकंड में आंसर आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं आप, सेकंडों में आंसर आ रहा है, पांच सेकंड के भीतर भीतर आंसर है। तो भाई आपको लाइक करने में क्या दिक्कत आ रही है, लाइक भी कर दें आप, फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें आप वीडियो को, फटाफट फैला दो लोगों के बीच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें आप फटाफट। देखो किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा, देखते हैं अभी कौन बी बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, चार सेकंड लगे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, यही होना चाहिए, पांच सेकंड के भीतर भीतर आंसर है, देख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोले आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग फटाफट, देखते ही सॉल्व हो गया, वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आंसर आ रहा है लोगों का, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब यदि आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बेटा दो से तीन सेकंड, दो से तीन मिनट से पहले नहीं होने वाला ये सॉल्व, और कई कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और सिंपल प्रश्न होते हुए भी गलत कर जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको देखो विद इन सेकंडों में और बिल्कुल क्लियर सही कैसे करना है, देखें आप, हाँ देखते हैं अभी क्या होगा सही, मुझे भी पता नहीं, आंसर दे देता तो आपसे क्यों पूछता, ठीक है। हाँ भाई क्लियर, लाइक करें आप, यदि आपका पांच सेकंड के भीतर भीतर जिन भी स्टूडेंट का आंसर आया फटाफट लाइक करें और शेयर करें आप वीडियो को, हाँ भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। यदि आपका पांच सेकंड के भीतर भीतर जो स्टूडेंट एक मिनट में प्रश्न करता है वो आप पांच सेकंड में प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा ध्यान रखें कितने 55 सेकंड का फायदा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कितने सेकंड का, 55 सेकंड का फायदा कर रहे हो आप, देख पा रहे हैं आप, देख लें आप। हाँ भाई फटाफट लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें आप चैनल को प्लीज। हाँ भाई आ जाओ आप लोग, इधर देखें आप, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं बना बिल्कुल मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, हम बैठे हैं आपके लिए। इधर देखो आप, ए अनुपात भी 3:4, इधर देखो क्या बेटा इसमें 3:4 बन रहा है क्या, ऑप्शन ए में नहीं बन रहा, गलत, देखते ही गलत, ऑप्शन बी, हाँ इसमें बन रहा है 3:5, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3:4, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी देखें आप, 3:4 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अब देखो ये ऑप्शन बड़ा बेकार है, नोटा, ध्यान रखें आप, ये ऑप्शन जब आ जाए तो आपको पूरा कंफर्म आंसर ही देखना है, क्या पता ये भी आपका आंसर नहीं हो तो आपका आंसर क्या होगा, नोटा। तो इसलिए जब भी आपको ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आ जाए नहीं, तब आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या जल्दबाजी में रहता है और फटाफट से ऑप्शन बी दे देता है, पता चला उसका आंसर बी भी नहीं था, उसका आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बेटा ध्यान रखें ये ऑप्शन आ जाए, ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन है, जब भी ये ऑप्शन आ जाए तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है कि आपका जो आंसर लिख रहे हो वो कंफर्म है या नहीं है, ठीक है। अब देखें आप, बिल्कुल एक सेकंड में आ गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया। अब देखें आप, ए अनुपात बी 3:4, ठीक है बन गया बी अनुपात, अब आपको पूरा कंफर्म चेक करना पड़ेगा बी अनुपात से 8:9 बन रहा है कि नहीं। तो देखो आप यदि यहां पर 5 से काटोगे तो 8:40 और 9:45, तो ये 8:9 बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। सी अनुपात डी 15:16 बन रहा है कि नहीं, देखो आप 3 से काटोगे तो 3:15 16:48 बन रहा है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी आंसर आपका परफेक्ट हुआ। आपको पूरा कंफर्म आंसर देखना पड़ेगा, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, क्लियर है प्लीज। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल, ये तो आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना पड़ेगा यदि आपको अच्छे से हमसे पढ़ना है और सेकंड नंबर प्रश्नों को सीखना है तो, ठीक है फटाफट से कर लें आप, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार, मजा आ रहा है कि नहीं, अरे हाँ ना बोले आप, अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं हमारा पढ़ाना, अरे भाई बोले आप फटाफट, हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं, चीजों को समझ पा रहे को नहीं, इससे पहले आप इसी इन्हीं प्रश्नों को 1 से 2 मिनट में करते थे, समझ रहे नहीं आप, समझ रहे हैं आप,
वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आपको यदि इसको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करना भी सिखा देता हूं मैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, आना जरूर चाहिए सब कुछ, ठीक है, पर एग्जाम में कैसे करना है तो एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे आपके सामने, ठीक है, पर आप इसको सॉल्व करना भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आप समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं आप, तरीका भी हमारा बहुत अच्छा तरीका है, तरीके से आप ये 20 सेकंड में आंसर लाओगे, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे 20 सेकंड में आंसर आओगे, पर यदि आपको ऑप्शन चेक करना आता है तो आप विद इन 5 सेकंड के अंदर अंदर 5 सेकंड के भीतर भीतर आंसर लाओगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत वेरी गुड। ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, ये आपको देखना है। इधर देखें आप, तो आप देखें ए अनुपात बी कितना है, 3:4, ए अनुपात बी कितना है, 3:4, और बी अनुपात सी कितना है यहाँ पर, 8:9, बी अनुपात सी कितना है, 8:9, बी अनुपात सी कितना है, 8:9, सी अनुपात डी कितना है, 15:16, सी अनुपात डी कितना है, 15:16। अब यहां पर देखो बी और सी बराबर करने, बी और सी क्या करने, बराबर करने, इक्वल करने, तो यहां पर देखो बी बराबर करना है तो इसको किससे गुना करेंगे आप, 2 से गुना करेंगे, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यहां पर इसको किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, बराबर हो गया, और यहां पर सी को बराबर करेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे आप, 5 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और इसको किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं, पर देखो बेटा इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर दिया। अब देखें आप, आपने इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, अब जैसे ही इसको 5 से गुना किया तो ये भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए, इसको भी किससे करेंगे, 5 से करेंगे, और इसको 5 से किया तो इसको भी किससे करेंगे आप, 5 से गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे हाँ ना बोले आप, अच्छा ये 2 से गुना करने भूल गए हम लोग, यहां पर ये 2 से गुना करना भूल गए, ठीक है, इसको 2 से भी गुना करना पड़ेगा, ध्यान रखें, दोबारा देख लें आप, इसको भी किससे करेंगे 2 से, और इसको किससे करेंगे 5 से, तो देखो 15:45, देखो आप 5 3 15 15 2 कितना हुआ, 30 हुआ, और 8 5 कितना हुआ, 40, और 15:45 और 16:48, ये आपका आंसर बना कि नहीं बना, अरे हाँ ना बोले आप, यस और नो को बोले, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आपके, ये तरीका भी समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोले आप, यस और नो में जवाब दे, समझ में आ गया आपको, यस अंतर नो बोले आप फटाफट, दोबारा समझा दूं मैं, कोई डाउट है तो आपके कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, कमेंट बताएं, और जो बच्चा अच्छा नो आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, अभी देख लेना बेटा, समझा दूंगा दोबारा, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जो स्टूडेंट एग्जाम माई नोट्स अड्डा पे फेसबुक पेज में देख पा रहे हैं उनके कमेंट में सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, तो आप यहां से देख लें, ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, दोबारा देख लें एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा देख लें आप लोग, देखिए आप ये प्रश्न है अपना, देखिए बेटा ए अनुपात बी, ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो ए अनुपात बी कितना है, 3:4 लिख लिया, बी अनुपात सी कितना है, 8:9, और सी अनुपात डी कितना है, 15:16, डन, ठीक है। अब देखो यहां पर बी को बराबर करना है क्योंकि बी कॉमन है तो इसको आप 2 से गुना करेंगे, पर इसको 2 से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे, 2 से, भाई अनुपात में यदि आप अंश को गुना करोगे तो हर से भी गुना होगा क्योंकि जैसा अंश वैसा हर होना चाहिए, ध्यान रखें अनुपात की होती है, ठीक है, क्योंकि दो राशियों के बीच तुलना होती है, यदि आप एक राशि में एक क्वांटिटीज में परिवर्तन कर रहे हो तो दूसरे में भी आपको परिवर्तन करना होगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखो आप, तो यहां पर देखो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से किया, अब यहां पर सी को बराबर करेंगे तो इसको आपको 5 से गुना करेंगे तो इसको किससे करेंगे, 3 से, पर इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, ध्यान रखें, अब इसको 5 से करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे, 5 से, अब ये दोनों बराबर हो गए, यहां पर देखो इसको 5 से, पर यहां पर ये दोनों डिस्टर्ब हो गए भाई, फिर से इसको क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, अब ये बराबर हो गए फिर इससे भी करेंगे तो इसको भी किससे करेंगे आप, 5 से गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं, यहां पर देखो 5 3 15 15 2 कितना होगा, 30, और ये 8 5 40, और 15 3 45, और 16 3 48, ये आपका क्या बना, आंसर बोलो, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोले आप, यस और नो में जवाब दो, क्लियर है, अब बोलो कोई डाउट किसी को, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे, नहीं आया फिर बोल दें आप मुझे, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें फटाफट, यस हाँ भाई क्लियर है,
सब कुछ क्लियर है कि नहीं आपके? ठीक है, ओके ओके, क्लियर है, वेरी गुड। पांच से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि बेटा इसको बराबर करना है, नहीं भाई आपने अपर इसको नौ पंजे 45 और पांच दिए 15, भाई इसको 45 कब होगा जब आप इसको पांच से गुना करेंगे और ये तीन से गुना करेंगे तब 45 हो गए, यहां पर बराबर हो गए 45 45, इसलिए गुना किया है। फिर यहां से पांच से किया तो इसको भी पांच से करेंगे, फिर इनको भी पांच से करेंगे और इसको भी करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई बात नहीं बेटा, किसी का नहीं आया समझ में तो पूछ लिया उसने, आप किसी के ऊपर गलत कमेंट ना करें। ठीक है, कोई स्टूडेंट के यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया उसने बेटा। ठीक है, प्लीज आप किसी को ऐसे ना बोलें कि महानात्मा कुछ भी ना बोले, प्लीज ऐसे काम नहीं करें आप अपना ही, प्लीज सिर्फ आप अपना काम करें बस, आपको समझ में आ गया ठीक है, अदर स्टूडेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, प्लीज मेरा कहना तो यही है और आप समझदार हो सभी लोग, क्लियर है कि नहीं? अब एक प्रश्न मैंने अभी छोड़ा था, ये प्रश्न इसको आप करें और इसमें पूछा है क्या पूछा है, देखो थोड़ा सा अपडेट रहे ना, ए अनुपात बी 1:2 है, बी अनुपात सी 3:4 है और सी अनुपात डी 5:6 है और आपसे पूछा है डी सी बी ए, ध्यान रखें क्वेश्चन चेंज हो चुका है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है डी सी बी ए, तुक्का ना लगाएं आप, ध्यान रखें ये आप बिल्कुल सोच समझ कर करें, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, हाँ भाई फटाफट से कर दें आप, फटाफट करें आप, देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं, और YouTube चैनल है एग्जाम फंडा, इसको सब्सक्राइब कर लें आप, देखता हूं कितने लोगों के आंसर आते हैं सही, 48 40 30 15 6 4 2 1, हाँ भाई फटाफट आंसर बताएं आप लोग, करेंगे तब आंसर आएगा। हाँ भाई करें आप फटाफट, हाँ भाई आंसर बताएं, कोई ए बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, अभी पता चलेगा क्या है आंसर, हाँ भाई अभी सब पता चल जाएगा कौन सा है। हाँ भाई बोले आप क्या है आंसर बताएं आप लोग प्लीज फटाफट। हाँ भाई ए आ रहा है आंसर, चलो देखते हैं अभी लोग, अभी देखो भाई लोगों देखते हैं अभी क्या है आंसर, अभी पता चल जाएगा, देखो ए बोल रहे हैं लोग, काफी लोगों का आंसर ए आ रहा है, पता चलेगा अभी। यस बोले आप,
फटाफट शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप। यही तो बात है, उल्टा बताना है भैया, एग्जाम में ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं प्रश्न। हाँ भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आप पहले फटाफट, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो बच्चे माई नोट्स अड्डा पर जुड़े हुए हैं फटाफट यूट्यूब चैनल पे आ जाएं आप लोग। हाँ भाई, फटाफट यूट्यूब चैनल पे आ जाए। हाँ भाई, क्लियर है आप लोगों के? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा अभी समझा देंगे। हाँ भाई, यदि आपके समझ में आ गया तो कॉन्टेक्ट करेक्ट आंसर जी, देखते हैं, वेरी गुड, देखते हैं अभी, देखते हैं वेरी गुड। हाँ भाई, देखेंगे अभी क्या है, आप अपना रखें बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल तरीके से। हाँ भाई, और लोग बताएं मुझे। देखो, चेंज कर चुका हूं मैं यहां पर प्रश्न, ध्यान रखें आप, ए बी सी डी नहीं दिया है आपसे, पूछा है बी अनुपात, बी अनुपात ये पूछा है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। हाँ भाई, रीट में सेकंड लेवल में आते हैं, ठीक है, सेकंड लेवल के लिए है बिल्कुल, रीट के लिए और कोई डाउट हो तो पूछे आप, पर प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यदि आपको लग रहा है वास्तव में अच्छा पढ़ा रहे हम लोग, ठीक है, तो इसको फटाफट से शेयर कर दें आप लोगों के बीच। हाँ भाई, फटाफट से शेयर कर दें वीडियो को और यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट एक बार मुझे बता भी दो किन किन लोगों ने कर लिया है, और कौन कौन बच्चा जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फटाफट यूट्यूब चैनल पे आ जाए आप लोग। हाँ भाई, फटाफट से बताएं। यस, वेरी गुड, ए आंसर, ए आंसर, ठीक है। देखो बेटा, जो भी स्टूडेंट का ए आंसर आया है नहीं, वो क्या है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में वो पूरे को चेक नहीं कर पा रहे ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर डी आएगा, अभी देखें आप कैसे डी आएगा, देखेंगे आप लोग, तैयार हो? ठीक है, देखिए आप, डी आंसर होगा, वेरी गुड, जिनका डी आ रहा है सही आ रहा है। देखो कैसे होगा, देखें आप, ए अनुपात बी है, एक अनुपात दो, क्या ऑप्शन ए में बन रहा है क्या नहीं बन रहा, देखते गलत किया आपने, ठीक है। ऑप्शन बी एक अनुपात दो, ठीक है, ए अनुपात बी एक अनुपात दो, क्या इसमें बन रहा है क्या, तो दो अनुपात एक बन रहा है, ये भी गलत, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये भी गलत है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए आप किस तरीके से, फिर देखिए आप यहां पर, समझ में आया, फिर आप देखें यहां पर, अच्छा उल्टा पूछा है, उल्टा ध्यान रखें आप, उल्टा पूछा है, उल्टा, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं, देख ले आप, ठीक है, क्या पूछा है, उल्टा पूछा है उसने आपसे, पूछा है डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। अब देखो आप बेटा, इधर देखना, आपने सब्सक्राइब कर लिया ना चैनल को, उल्टा पूछा है, ध्यान रखें बेटा, कंफ्यूज ना हो जाए, आंसर गलत होने में टाइम नहीं लगेगा 1% भी। देखिए आप, सेकेंडों में आंसर गलत हो जाता है कई कई बार, तो आपको गलत नहीं करना। देखिए आप यहां पर, देखो डी अनुपात सी, तो यहां पर सी अनुपात डी है, पांच अनुपात छह, आप डी अनुपात सी लिखोगे तो यहां पर डी कितना है छह और सी कितना है यहां पर पांच, तो छह अनुपात पांच बनेगा। ऑप्शन ए में है छह अनुपात पांच, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी में है क्या, नहीं है, ऑप्शन बी गलत हुआ। ऑप्शन सी में है क्या, नहीं है, यह भी गलत हुआ। अब ऑप्शन डी में क्या छह अनुपात पांच है क्या, ठीक है, तो उसके लिए आप देखो यहां पर आप आठ के से कैलकुलेट करो, तो यहां पर आठ छह अड़तालीस और आठ पंजे चालीस, ठीक है, छह अनुपात पांच है, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से दो में से हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप चेक करो, फिर यहां पर देखो सी अनुपात बी क्या है, सी अनुपात बी, तो आपको सी अनुपात बी देखना है, क्या देखना है बेटा, सी अनुपात बी, ठीक है, तो आप देखो यहां पर सी अनुपात बी देखना है,
आपको बी अनुपात सी दे रखा है, तो यहां पर सी अनुपात भी कितना बनेगा, 4:3 बनेगा कि नहीं, कितना बनेगा, 4:3। तो यहां पर देखो बी अनुपात सी 4:3 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। नहीं मानो चेक कर लो बी अनुपात सी बन रहा है कि नहीं, देख लो 0:0 कट गया, 4:3 बना का नहीं, आपका आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दो आप मुझे, ये चीज समझ में आई कि नहीं, यस और नो में जवाब दो फटाफट। किसी को समझाना है तो दोबारा समझा दूं, और भी आपको देखना है कि भाई सी एक बी अनुपात है, क्या देखना है, बी अनुपात है, कंफर्म ही देखना है। तो यहां पर देखो ए अनुपात भी 1:2 और ये कितना है 2:1, तो यहां पर देखो 2:1 बन रहा है कि नहीं, 15×2=30 और 15×1=15 2:1 बन रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, यस मुझे बताएं फटाफट कमेंट में। फिर और भी इससे भी हार्ड प्रश्न देने वाला हूं अभी, मैं दोबारा समझा नहीं, चलो कोई नहीं। प्लीज आप लाइक तो करें भाई, जिनके समझ में आ गया, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। हाँ भाई, हाँ भाई क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप, कर लिया आप लोगों ने, ठीक है वीडियो को शेयर करें प्लीज, लाइक करें आप, लाइक नहीं दिख रहे मुझे, बहुत कम दिख रहे हैं भैया, आज तो 100 ही नहीं पहुंचाए आपने लोगों ने लाइक, क्यों अच्छा नहीं पढ़ाया क्या, आज तो मैंने बहुत अच्छी क्लास ली है, बल्कि जिन लोगों ने पढ़े हैं जो आज जगे हैं दोपहर में, उनका मजा आ गया होगा उनको क्लास लेने में, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने, ठीक है सेकंडों में प्रश्न को उड़ाना सीखा है, तो इसको 100 से ऊपर तो पहुंचाए आप लोग। हाँ भाई प्लीज लाइक 100 से ऊपर पहुंचाए पहले आप, और यदि आपने एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, जब हम आपके लिए कर रहे हैं इतना तो आपको इतना तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ऐसा मत करो आप, इसको सब्सक्राइब करें आप फटाफट से जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है एग्जाम फंडा है ध्यान रखना, FUNDA FANDA FUN नहीं है ये, FAA क्या है, FAN है, ठीक है FAA ये ध्यान रखें आप। FANDA यस, हाँ भाई क्लास 7:30 से स्टार्ट होती है सुबह, जीके की क्लास, फिर उसके बाद मैथ की क्लास होती है, फिर रीजनिंग की क्लास होती है, फिर उसके बाद साइंस की क्लास होती है। ओके नींद गायब हो गई, समझ में आ रहा है, वेरी गुड बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है। और शाम को इवनिंग में 3:00 से हुआ करेगी क्लासेस स्टार्ट, भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब एडवांस पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह सब, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात एंड समानुपात, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी। हाँ भाई और कोई डाउट आपका, सुबह 8:30 से होती है, ठीक है सुबह 8:30 से होती है क्लास मेरी स्टार्ट, ठीक है शाम को 3:00 से होती है, और कोई डाउट आगे समझ में क्लियर है, ठीक है नेक्स्ट प्रश्न। हाँ भाई इसको लाइक करें आप फटाफट प्लीज, और प्रश्न लेते हैं, देखो अभी 3-4 प्रश्न लेने बाकी हैं, और प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये रहा देखो आप प्रश्न क्या है, अब देखो आप ऑप्शन से खुद बता दोगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो, अभी देखना मैं ऑप्शन लिखूंगा और आप सब लोग आंसर देने वाले, मुझे पूरा यकीन है, तैयार हो गए नहीं, बिल्कुल यकीन है, अभी देखना आप, देखो आप कितना बड़ा प्रश्न हो और आप फटाफट आंसर देने वाले हो, ए अनुपात बी है यहां पर 1:2, अभी देखना फटाफट कैसे लोग आंसर देंगे, और ये वही प्रश्न करा लो जो आए हुए हैं, आप नहीं मानो तो देख लेना आप कोई भी पिछले साल के मॉडल पेपर लेके आओ, उनमें आपको ये सब मिलने वाले, ठीक है सब प्रश्न, बी अनुपात सी है 3:4 और सी अनुपात डी है यहां पर 2:3 और डी अनुपात ई, ध्यान रखें आप बेटा क्या है डी अनुपात ई, कितना है 3:4, ठीक है देखो ए अनुपात भी 1:2 है, बी अनुपात सी 3:4 है,
सी अनुपात डी दो अनुपात तीन है और डी अनुपात ई तीन अनुपात चार है, और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये करना है आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा ऑप्शन ए, अभी फटाफट उड़ा दोगे मुझे पूरा यकीन है, फटाफट देखना आप, दो से तीन सेकंड में उड़ाने वाले हो, ऑप्शन देखा आपका आंसर आया, देखना अभी आप, अभी आप देखना, और जब उड़ जाए नहीं प्रश्न तो भैया आपको शेयर करना पड़ेगा, फिर तो आपको शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, ये भी आप मान लें। यदि आपका प्रश्न दो से तीन सेकंड में हो जाए, ठीक है, पांच सेकंड के भीतर भीतर, तो आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अंत अगला प्रश्न नहीं दूंगा, क्लास छोड़कर चला जाऊंगा मैं, ध्यान रखें आप। यदि आपका प्रश्न उड़ गया तीन से चार सेकंड में, तो आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, ध्यान रखें आप बेटा। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, फटाफट बता दो आप, फटाफट आंसर बता दो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं लोगों के, बहुत बढ़िया, देखो दो से तीन सेकंड में, वेरी गुड, ठीक है। पर वीडियो को शेयर कर दो, लाइक ठोक दो आप, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक ठोक दो आप, अब तो आपको रुकना ही नहीं है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्रश्न, जो प्रश्न को करने में स्टूडेंट एक से दो मिनट लेता है, और हमारा स्टूडेंट यहां पर एक से दो सेकंड में कर रहा है, तो बेटा अब तो आपको शेयर करना पड़ेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किन किन लोगों ने शेयर किया है, फेसबुक पे कहीं भी करो, नहीं किया है तो करें, और जिन लोगों ने एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, उसको फटाफट करें बेटा, अब तो आपको शेयर बनता है, ठीक है। जब मैंने आपको जो प्रश्न आपने अब तक आपके मन से कहना, अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि आप इन प्रश्नों को कितनी देर में करते थे, हाँ भाई अभी से इससे पहले, आज से पहले आप इन प्रश्नों को कितनी देर में करते थे और आज आप कितने समय में कर रहे हो, तो बेटा अब तो आपको शेयर करना पड़ेगा। और मुझे बताओ किन किन लोगों ने शेयर किया है वीडियो, फटाफट बता दो आप मुझे, हाँ भाई फटाफट बता दे किन किन लोगों ने शेयर कर रहे हो आप फेसबुक पे कहीं भी, और लाइक करो आप फटाफट, ठीक है। और आंसर बता रहे हैं अभी लोगों के, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बोरिंग क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, आप और कहीं पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर तो जो पढ़ने वाले हैं वही जुड़ रहे हैं, कॉमेडी अपन पे आती नहीं है। आप स्टार्टिंग से पढ़ना तब पता चलेगा कैसी क्लास है, ठीक है बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ना, ये अपवाद होते हैं वो पढ़ने के लिए थोड़ी ना आते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पढ़ना है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी लोग पढ़ रहे हैं काफी लोग यहां पर, वेरी गुड, शेयर कर दिया बहुत बढ़िया, देखो अभी पबजी जाट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, व्हाट्सएप ग्रुपों में इन्होंने शेयर किया है भी, बहुत बढ़िया, फेसबुक पे भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो आप लोग, करें आप, हाँ भाई, और किन किन लोगों ने किया है, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा थोड़ी ना मानता हूँ, सॉरी, कोई, अरे बुरा थोड़ी ना माना है मैंने बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसी लग रही है, हेल्पफुल वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते नमस्ते अलका मिश्रा जी, वेरी गुड वेरी गुड, यस, पर शेयर करोगे तो ही आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है, और ये 100 से ऊपर पहुंचेगा तभी आगे बढ़ूंगा, अब मैं भी अड़ गया, ठीक है। जब भाई जिन प्रश्नों को आज से पहले आप दो से तीन मिनट में करते थे, आज उन प्रश्नों को आप एक से दो सेकंड में कर रहे हो, तो भैया थोड़ा सा तो बनता है, ठीक है, थोड़ा सा तो हमारा भी हक बनता है, ठीक है। आज मैं आपको बिना बताए जरूर आया हूं, इसलिए कम लोग देख पा रहे हैं मुझे, ठीक है, पर वीडियो तो YouTube पर डली मिलेगी, ठीक है, हाँ भाई करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, 100 से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो, फटाफट शेयर करो आप, ठीक है, करेंगे तभी आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। अंत आराम से, क्लास काफी डेढ़ घंटे से ऊपर क्लास हो गई मेरी, डेढ़ घंटे क्या दो घंटे होने वाले हैं 10 मिनट में, ठीक है, दो घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं, और बेटा अब तो आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं बढ़ रहा, मैं खड़ा हूं आराम से, अंत क्लास हो गई पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि एक और प्रश्न चाहिए आपको ऐसा ही, तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा, और लाइक 100 से ऊपर होंगे, 100 प्लस लाइक होंगे, ठीक है, और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है। यदि आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना है और एग्जाम में बिल्कुल प्रश्नों को आप देख लेना, ठीक है, आप करंट के क्वेश्चन देख लेना, करंट पब्लिकेशन मॉडल पेपर आता है किसी का भी देख लेना, एमबी पब्लिकेशन, जहां भी आपको पिछले साल का आपको ये सब प्रश्न देखेंगे,
नहीं मानो आप मुझे कल बताना, नहीं देखे तो आपको ठीक है, एसएससी सीपीओ में कहीं ना कहीं ये आपको प्रश्न दिखेगा, देख लेना आप, वहीं से लिख के लेके आया हूं मैं भी प्रश्न। हाँ भाई बिल्कुल भैया, काय स्पीड बिल्कुल स्पीड ही है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है दोस्त मेरे। बिल्कुल 200 प्लस लाइक तो होंगे भैया, बिल्कुल 100 प्लस तो पहुंचाएं इसको आप, बिल्कुल टाइम तो ले रहा हूं भाई, टाइम दे भी तो रहा हूं मैं आप लोगों को, जहां मेरी एक घंटे की क्लास है वहां दो घंटे की क्लास हो रही है। और बोले आप, हाँ भाई कर लिया आप लोगों ने शेयर, समझ में आ गया क्लियर। अब देखो एक और प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको ठीक है, और सॉल्व कैसे करोगे ये भी आप जानते हैं, सॉल्व करना सिखा देता हूं मैं आपको, देखो सॉल्व करना भी सिखा देता हूं ठीक है, सॉल्व करना भी सिखा देता हूं इस प्रश्न को, ताकि आपको परेशान नहीं होना। देखो बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग भी बढ़े आप लोग भी बढ़े, दोनों मिलकर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ठीक है। आप ये चाहो कि सिर्फ आप ही आपका भला हो तो हमारा भी भला जरूरी है बेटा ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, और आपसे कुछ नहीं ले रहे हम लोग, पता है आप लोगों को सब चीजें। देखिए आप, ये ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात, ई, ये आपको निकालना है ठीक है। हाँ भाई देख लें आप, तरीका भी देख लें, ए अनुपात बी कितना है, एक अनुपात दो, बी अनुपात सी कितना है यहां पर, तीन अनुपात चार, और सी अनुपात डी कितना है यहां पर, दो अनुपात तीन, और डी अनुपात ई कितना है, तीन अनुपात चार ठीक है। अब यहां पर देखें बेटा, यहां पर देखो बी सी और डी तीन बराबर करने, बी को बराबर करेंगे इसको किससे गुणा करेंगे आप, तीन से, और इसको किससे गुणा करेंगे आप, दो से, इसको तीन से करेंगे तो इसको भी तीन से किया आपने गुणा ठीक है, अब इसको दो से किया तो इसको भी किससे करेंगे आप, दो से, अब ये चार दूनी आठ और ये कितना है दो, अब इनको बराबर करेंगे तो यहां पर इसको किससे गुणा किया आपने, चार से गुणा किया, तो इसको चार से किया तो इसको भी किससे किया बेटा आपने, चार से गुणा किया ठीक है। अब देखो यहां पर बराबर करेंगे तो यहां पर देखो चार तीन बारह, तो इसको भी किससे करेंगे, चार से, और इसको भी किससे करेंगे यहां पर, चार से गुना करेंगे कि नहीं, यहां पर देखो तीन बना ठीक है, और ये तीन दूनी कितना बन गया यहां पर, छह बन गया ठीक है, और यहां पर चार दूनी कितना बना, आठ बना, और यहां पर चार तीन बारह, और यहां पर चार चौका सोलह, तो आपका आंसर कितना बना, तीन अनुपात छह अनुपात आठ अनुपात बारह अनुपात सोलह, ये आपका आंसर बना है, बनाया कि नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं, अरे हाँ ना बोले आप ठीक है, यहां पर चार तीन बारह और चार चौका सोलह, ये आपका आंसर बना है, बनाया कि नहीं। हाँ भाई क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, तीन अनुपात छह अनुपात आठ अनुपात बारह अनुपात सोलह ठीक है, समझ में आ गया, तरीका भी समझ में आ गया ठीक है। स्पीड मैं तो बहुत स्पीड बढ़ा दूं, सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आएगा बेटा ठीक है, सबको साथ लेना है हमें, सबको साथ लेके चलना है ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं आए हो, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, वेरी गुड ठीक है। अब एक प्रश्न आप मुझे करके दिखा दो, ताकि मुझे लगे हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ सिद्ध हो गया ठीक है। और क्वेश्चन ये है आपके सामने, यदि ए अनुपात बी, और देखते हैं किन किन लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, एक अनुपात दो है, बी अनुपात सी है, तीन अनुपात चार, और सी अनुपात डी है यहां पर छह अनुपात नौ, और डी अनुपात ई है यहां पर बारह अनुपात सोलह, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है। ऑप्शन ए आपके सामने है, एक अनुपात तीन अनुपात छह अनुपात बारह अनुपात सोलह, ऑप्शन बी आपके सामने है दो अनुपात चार अनुपात छह अनुपात नौ अनुपात सोलह, ऑप्शन सी आपके सामने है तीन अनुपात चार अनुपात आठ अनुपात बारह अनुपात सोलह, और ऑप्शन डी आपके सामने है तीन अनुपात छह अनुपात आठ अनुपात बारह अनुपात सोलह, फटाफट बताओ बेटा। हाँ भाई देखता हूं किनका आंसर सबसे पहले आता है, बिल्कुल बेटा इससे बेहतर ट्रिक क्या बताऊंगा मैं, अच्छा मतलब ट्रिक ऐसा कि आपको लिखूं कि इसको याद कर लेना रट लेना, वो ट्रिक बताऊं नहीं है मेरे पास ठीक है, कहां तक ट्रिक बताऊंगा बेटा मैं,
ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं अभी किन किन लोगों का आंसर सही आता है। सही आ रहे हैं, काफी सही पहुंच रहे हो आप लोग, सीख पा रहे हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी गुड, सीख पा रहे हैं आप लोग, आंसर आ रहा है। ध्यान रखें, आप देख पा रहे होंगे, आप और लोगों में और खुद में फर्क आज आपको मालूम चल गया होगा। भाई यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखना, देख रहे हैं आप क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फटाफट आंसर बताएं आप मुझे बेटा। YouTube चैनल एग्जाम फंडा है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बिल्कुल कविता जी, एक बार में ही समझ में आ गया आपका आंसर, डी है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, वीडियो को शेयर कर दें आप, लाइक करें आप फटाफट, यदि आपका आंसर आ रहा है फटाफट, देख पा रहे हैं आप लोग। हाँ भाई, सबका आ गया, वेरी गुड। देखिए आप कुछ नहीं करना, देखें आप फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये प्रश्न मैंने क्यों दिया है, देखा जाए तो इससे पहले वाला प्रश्न और ये एक ही प्रश्न है, एक जैसा ही प्रश्न है। देखिए आप, देखो यहाँ पर ए अनुपात बी 1:4, 1:2 है, ये बी अनुपात सी 3:4 है, सी अनुपात डी 2:3 है, और डी अनुपात बी 3:4 है। और ये प्रश्न भी ऐसा ही है, देखिए आप बिल्कुल एज इट इज प्रश्न है, पर यहाँ पर जो फर्क है वो है ऑप्शन का फर्क पड़ रहा है। किसका फर्क पड़ रहा है बेटा? ऑप्शन का। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी है 1:2, बी अनुपात सी है 3:4, सी अनुपात डी है 6:9, और डी अनुपात ई 12:16। देखो ये 6:9 तो यहाँ पर देखेंगे 2:3 ही तो है, और यहाँ पर देखो ये देख रहे हैं आप 3:4 ही तो है। पहला वाला प्रश्न ये देखा जाए तो बिल्कुल एज इट इज, पर यहाँ पर ऑप्शन का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, देखो ऑप्शन किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए आप, देखेंगे बेटा हर चीज को देखना है आपको। तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी 1:2, क्या ऑप्शन ए में बन रहा है कि नहीं बन रहा? गलत हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में 1:2 बन रहा है कि हाँ बन रहा है, मतलब हो सकता है ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में बन रहा है कि नहीं बन रहा? ऑप्शन डी देखें आप, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन कट गए आपके, दो ऑप्शन बचे हैं। देखिए आप, फिर देखिए आप बी अनुपात बी सी 3:4, ऑप्शन बी में देखेंगे क्या 3:4 बन रहा है कि नहीं। देखो आप बेटा 3:4 बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, ये 3:4 नहीं बन रहा। देखो आप दो से काटोगे तो यहां पर कितना बनेगा, ये 2:3 बन रहा है, तो आपका आंसर नहीं हुआ। आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। देखो यहां पर ये 3:4 बन रहा है, देखो आप दो से काटेंगे ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, आगे चेक करना ही नहीं आपको आंसर। हाँ, चेक कब करना है पूरा कंफर्म? जब ऑप्शन होता कि इनमें से कोई नहीं, मान के चलो जैसे कि बैंक में क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन ई मान के चलो, ठीक है, बैंक में बैंक का क्वेश्चन यदि ये आ गया बैंक में, ठीक है, और ऑप्शन ई आ गया यहां पर नोटा, ऑप्शन क्या आ गया, ई नोटा आ गया, तब आपको बेटा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं और यदि नोटा आ गया तब आपको चेक करना है। तो देखो यहां पर बी अनुपात सी 3:4 बन रहा है, सी अनुपात डी 6:9, ठीक है 6:9 मतलब, या फिर 2:3 कर सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 2:3। यहां पर देखो बेटा क्या ये 2:3 बन रहा है कि नहीं, 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8, ठीक है, और 4 × 3 = 12, 2:3 बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। फिर देखो आप डी अनुपात ई 12:16, तो 12:16 बन रहा है, आपका आंसर हुआ, कंफर्म हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? यस और नो में जवाब दो आप मुझे प्लीज। क्लियर? वेरी गुड, ओके, क्लियर है सब कुछ, बिल्कुल क्लियर है, ओके, धन्यवाद। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, ठीक है, और आगे प्लीज इसको लाइक करें आप, फटाफट लाइक कर दें ताकि और आगे बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, अभी दो प्रश्न कराने बाकी और हैं, दो प्रश्न और कराऊंगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट? हाँ भाई, इस प्रकार के प्रश्नों में कोई डाउट है? 5 बज गए, कोई बात नहीं बेटा, और पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, 10-15 मिनट और पढ़ा देते, क्या दिक्कत है, हा? कहीं जाना हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। हाँ भाई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, प्लीज लाइक करें आप वीडियो को और शेयर करें प्लीज, थोड़ा सा लोगों में शेयर करें बीच में, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। हाँ भाई, रीजनिंग की क्लास सुबह होती है 9 बजे से और शाम को होती है 6:30 बजे से। और कोई डाउट, और कुछ पूछना है? हाँ
हाँ भाई फटाफट सब्सक्राइब करें आप प्लीज चैनल को। और कुछ पूछना है आप लोगों को फटाफट से देखें आप। ओके देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है ए अनुपात बी है एक बटा दो अनुपात तीन बटा आठ, बी अनुपात सी है देखो प्रश्नों का लेवल चेंज हो रहा है ध्यान रखें, एक बटा तीन अनुपात पांच बटा नौ और सी अनुपात डी है यहां पर पांच बटा छ अनुपात तीन बटा चार, और आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपको बेटा फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है छ अनुपात चार अनुपात आठ अनुपात दस, ऑप्शन बी है छ अनुपात आठ अनुपात नौ अनुपात दस, ऑप्शन सी है आज बिना बताए आया हूं मैं इसलिए बच्चे कम जुड़े हैं दस अनुपात नौ, और ऑप्शन डी है। और फटाफट बताएं आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं आप लोग यदि आप जानते हो कैसे करते हो। हाँ भाई आज मैं क्या है बिना बताया आया हूं इसलिए लोग कम देख पा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है वेरी गुड। देख लें आप फटाफट से इसको करें आप फटाफट बताएं, ऑप्शन सी बोल रहे हैं आंसर देखते हैं अभी। हाँ भाई डी बोल रहे हैं बहुत से लोग। हाँ भाई और बोले आप आपका आंसर बताएं आप, और यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा के नाम से है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे हमें फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं ठीक है उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा आपके कोई कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि एक जगह ही कमेंट पढ़ पाते हैं और वो हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। यस हाँ भाई आंसर बोले आप डी आंसर बोल रहे हैं, देखते हैं सी आंसर आ रहा है विकास सिंह मीना जी का ठीक है। यस और बोले आप, हाँ जी सी आंसर आ रहा है रवि श्रीवास्तव जी का, हाँ जी सी अच्छा हाय हाय बिल्कुल नरेंद्र जी ठीक है। हाँ भाई दीप्ति जी का ए आंसर आ रहा है, मतलब तुक्के मत लगाओ बेटा ध्यान रखें, तुक्के लगाने वाली सरकार नहीं है ध्यान रखिए ठीक है, तुक्के नहीं चलते आजकल एग्जाम में बिल्कुल मान के चले आप ठीक है। आजकल तो यदि आपको आता है कंफर्म तभी ध्यान रखें, ऐसा लगता है कई की बार तो के दो तीन ऑप्शन आंसर बन रहे हैं ठीक है, पर फिर आप चेक करोगे तब पता चलेगा कौन सा आंसर आ रहा है। हाँ भाई यस यस वेरी गुड, और बताएं फटाफट कमेंट में। हाँ भाई यदि आपको ठीक है वेरी गुड ठीक है, और शेयर कर दे वीडियो को लाइक कर दें आप ठीक है। हाँ भाई शेयर कर दें लाइक करें ठीक है, और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें आप लोग। हाँ भाई फटाफट से वेरी गुड बहुत बढ़िया सब लोगों का आंसर आ रहा है देख पा रहे हम लोग, डी आंसर बोल रहे हैं बहुत से लोग, अभी देख लेना क्या आंसर है वो तो आपके सामने होगा। देखो बेटा आपके सामने आंसर लाते हैं ठीक है, देखो बेटा इधर देखना समझेंगे आप लोग। देखिए आप ए अनुपात बी इसको आप क्रॉस गुना करें, इसको इधर गुना करेंगे इसको इधर गुना तो इसका गुना करेंगे तो यहां पर देखो ए अनुपात बी जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आठ अनुपात छह बन रहा है, कितना बन रहा है आठ अनुपात छह। अब आप देखो बेटा इधर देखिए आप ऑप्शन ए में बन रहा है कि आठ अनुपात छह नहीं बन रहा, बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ऑप्शन बी में बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ऑप्शन सी में बस एक में ही बन रहा है यही आंसर हो गया आपका खत्म समझ रहे हैं आप, एक ही आंसर बन गया आपका ऑप्शन सी बन गया, फटाफट सेकंडों में आंसर आया कि नहीं, अरे हाँ ना बोले आप, और आपको चेक करना है सॉल्व करना है तो भी देख ले आप, देख ले आप कितना सा समय लगे आपको लगा के समय, फिर आपको क्यों क्या जरूरत पड़ रही है भाई इसको सॉल्व करने की, कहां पर जरूरत पड़ गई ठीक है। और आपको देखना है तो और भी आप कर सकते हैं, देखो बी अनुपात सी यदि निकालना है तो इसको सीधा क्रॉस गुना करें आप, यहां पर देखो नौ एकम नौ और यहां पर पांच तीय पंद्रह
और आपको सी एन पार्ट डी निकालना है, यहां पर देखो इसको सीधा क्रॉस करेंगे आप, ठीक है, आप चार पंजो 20 और 36 18 और सॉल्व करना चाहो तो और भी कर लो आप, दो से कटेगा कितना, ठीक है, ये कितना बनेगा यहां पर 4:3 बनेगा, इसको काटेंगे 3 से तो ये कितना बनेगा यहां पर 3:5 बनेगा, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा 10:9 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको एबीसीडी निकालना है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि आप सॉल्व करने जाओ तो आराम से निकाल सकते हो, एबीसीडी निकाल सकते हो कि नहीं, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोले आप, ठीक है, हाँ भाई 100 प्लस का टारगेट है, अब एक रह गया, 99 पे खड़े हुए हम, एक बच्चा और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, 100 हो जाएंगे, ठीक है भैया, 99 गए बिल्कुल, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ भाई 100 हो गए फटाफट से भाई, और भी लोग करें, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें आप, ठीक है 104 वेरी गुड, हाँ भाई प्लीज समझ में आ रहा है, और प्लीज जिन बच्चों ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है, समझ में आया कैसे आया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, अरे हाँ ना बोले आप, फिर मैं क्लास छोड़ने वाला हूं, एक क्वेश्चन बिल्कुल सभी लोगों का आंसर सही आएगा कि नहीं, इस वाले प्रश्न में कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, तो इस वाले प्रश्न में सबका आंसर सही आएगा कि नहीं, पर हाँ थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं, आप देखेंगे कहां घुमा रहा हूं मैं, थोड़ा सा तो घुमाऊंगा प्रश्न को, ध्यान रखें बेटा, थोड़ा सा प्रश्न तो घुमाऊंगा मैं, ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है ये लो और करके दिखाएं आप मुझे, ए अनुपात भी है अपर, दो बटा नौ रेशो 1/3, बी अनुपात सी है 2/7 अनुपात 5/14 और सी अनुपात डी है यहां पर, सॉरी ध्यान रखें थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं, आप लोगों को देखना है ये डी अनुपात सी है, क्या है बेटा डी अनुपात सी है यहां पर 7/10 अनुपात 3/5, ठीक है डी अनुपात सी है बेटा ध्यान रखें, और ऑप्शन ए है यहां पर 4:6:7:9, ऑप्शन बी है 8:12:15:7, ऑप्शन सी है 16:24:30:35 और ऑप्शन डी है 30:35:24:6, फटाफट आंसर बताएं। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई यस सी आंसर बोल रहे हैं बहुत से लोग, बी आंसर बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, ठीक है फटाफट से प्लीज जुड़ जाएं आप लोग, और हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि इसी तरीके से आप सीखना चाहते हो और आंसर देना चाहते हो, ठीक है इसी तरीके से हमसे जुड़ना रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो रेगुलर क्लासेस में, तो एग्जाम फंडा है हमारा यूट्यूब चैनल, एग्जाम फंडा एफ ए एन डी ए, ध्यान रखें बेटा ये क्या है एफ ए एन डी ए है, ये नॉट फॉर एफ यू एन डी ए, क्या है एफ ए एन डी ए है, एफ ए एन डी ए यूट्यूब चैनल है ये, ध्यान रखें इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, और प्लीज लाइक करें वीडियो को, फटाफट से लाइक करें आप, ठीक है यदि आपको बिल्कुल अच्छे से हमसे सीख पा रहे हो समझ पा रहे हो, ठीक है कुछ आपने सीखा है देखा है कि हाँ भाई किस तरीके से प्रश्नों को विद इन सेकंडों में करना है, ठीक है तो प्लीज लाइक करें शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताओ किन किन लोगों ने शेयर भी किया है वीडियो, लाइक किया है फटाफट कमेंट में भी बताएं मुझे, ठीक है और आंसर भी बताएं आप, आंसर सबके सही दिख रहे हैं, हाँ भाई ये अच्छा सी आंसर बी आंसर आ रहा है, ठीक है टेलीग्राम चैनल बिल्कुल आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स विद त्रिलोक सर के नाम से भी है मेरा, ठीक है टेलीग्राम चैनल,
हाँ भाई, यस यस, ठीक है, शेयर करें प्लीज वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। हाँ भाई, जिन्होंने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। हाँ भाई, ये लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल इसके बाद क्लास खत्म हो रही है मेरी, छोड़ रहा हूं मैं। यस, फटाफट आप लोग बताएंगे मुझे, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ भाई, प्लीज जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग फटाफट से, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि आपने देखा, आज आपने सीखा कि भाई जो इससे पहले आपने इन प्रश्नों को भाई 1 से 2 मिनट में, ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 से 2 मिनट नहीं लिए हो, ठीक है। आज आप इन्हीं प्रश्नों को 5 से 6 सेकंड के भीतर कर पा रहे हो, 2 से 3 सेकंड में आंसर दे पा रहे हो, तो बेटा आज आपको समझ में आया होगा, लगा होगा कि यस, इस तरीके से हमें पढ़ना है। और बेटा यदि आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। अंततः इतनी भीड़ है, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतने टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सब कुछ है, ठीक है। आजकल देखो बेटा, प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको एक बुक ही लगाए चाहे, पर एक बुक लगाओ बड़े अच्छे तरीके से लगा लो आप उस बुक को, बस आपके तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, समझने का पैटर्न होना चाहिए, आपको सोचना है कि हाँ भाई इस प्रश्न को कैसे करें ताकि आपका सेकेंडों में आंसर आ जाए, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। यदि ये काम आपने, जैसे कि मान के चलो एसएससी की प्री की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन आए, ठीक है, 25 में से आपने ऐसा काम 10 प्रश्नों पे भी कर दिया कि आपने 10 प्रश्नों को 5 से 10 सेकंड के भीतर भीतर तोड़ दिया, तो बेटा देखो आप कितना आगे बढ़ गए, समझ रहे नहीं आप, कितना और लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। और ऑटोमेटिक, और करना पड़ेगा यदि आपको एग्जाम पास करना है, प्री और मेंस दोनों, प्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्री और मेंस यदि दोनों पास करने हैं तो आपको इसी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप पास कर पाओगे। अंत बेटा खूब लोग तैयारी कर रहे हैं, खूब प्रश्न बनाना हर कोई जानता है, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो सब प्रश्न बनाने जानते हैं, और भाई ये कोई हम अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, ये तो 9th 10th का ही तो पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा अपने 9th 10th क्लास में है सब चीजें, अनुपात समानुपात सब चीजें हैं, पर यहां पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स है, तो यहां पर आपको आंसर फटाफट से लाना होता है, बस ये चीज सीखनी है हमें, ठीक है। और ये कब हो पाएगा, जब आप इन पर मेहनत करोगे, बार बार चीजों को दोहराओगे। आप ये सोचो कि हम एग्जाम में बैठे और ये सब चीजें दिमाग में आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको बार बार चीजों को देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, चीजों को देखेंगे, आज आप बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार के प्रश्नों पे कहीं भी हो, ठीक है, आपको तरीका भी सिखा दिया है मैंने किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया सभी लोगों का, ठीक है, देखिए आप आंसर देख लें, अपना चेक कर लें, कंफर्म कर लें। देखो आप यहाँ पर ए अनुपात बी है, तो देखो 2:9 और 1:3 है, देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6, 9 = 9, तो कितना बना यहाँ पर, 6:9 बना, ठीक है। अब आप देखो क्या ऑप्शन ए में 6:9 बन रहा है कि नहीं, देखिए आप 6:9 या फिर 2:3, 2:3 बन रहा है क्या, इधर देखो बिल्कुल बन रहा है, ऑप्शन ए में 2:3 बन रहा है, ठीक है कि नहीं, 2:3, और भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन ए में बन रहा है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी में देखो क्या यहां पर बन रहा है कि नहीं, देखो आप 2:3 यहां पर भी बन रहा है, देखो बेटा 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 बन रहा है कि नहीं, यहां पर बन रहा है कि नहीं, हाँ भाई यहां पर भी बन रहा है, 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24, 2:3 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, हाँ ना बोले आप, ठीक है, यहां पर देखो यहां पर बन रहा है कि नहीं, तो आप देखें यहां पर 2:3 नहीं बन रहा, यहां पर 2:3 नहीं बन रहा, समझ रहे हैं आप, ऑप्शन डी गलत हुआ। फिर देखो आप B/C, तो इसको आप गुना करोगे, यहां पर 14 × 2 = 28, ठीक है, और 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 कितना बना 35, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 × 6 = 28, 7 × 5 = 35, 4:5 क्या ऑप्शन ए में 4:5 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, गलत हुआ, इसमें बन रहा है कि नहीं 4:5, देखो बेटा आप यदि 3 से काटोगे तो 3 3 देखो इधर, ठीक है,
तो यहाँ पर चार तिया के 12 तीन से काटोगे, ठीक है, तीन चौका 12 और तीन पंचो 15, चार अनुपात 5 बन रहा है, ये हो सकता है क्या? इसमें बन रहा है चार अनुपात 5। इधर देखो बेटा, आप यदि 6 से काटोगे, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, 6 से काटोगे तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, ये भी बन रहा है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब एक आ गया यहां तक समझ में, फिर और देखें आप, यहां पर डी अनुपात सी, ये डी अनुपात सी है, नॉट फोर सी अनुपात डी, डी अनुपात सी है। देखो बेटा काफी लोगों का आंसर क्यों गलत हुआ है, यहां पर देखो बेटा 7 पंजो 35 और यहां पर 10 दिया के 30, यही बन रहा है कि नहीं? 7 पंजो 35 और 5 से काटेंगे कितना बनेगा, यहां पर 7 अनुपात 6 बनेगा कि नहीं, ठीक है। पर ये डी अनुपात सी है, क्या है बेटा? डी अनुपात सी, और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछा है बेटा, क्या पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये है डी अनुपात सी, तो इसको आप सी अनुपात डी बनाओगे तो क्या बनेगा? 6 अनुपात 7, क्या बनेगा बेटा? 6 अनुपात 7, क्या बनेगा? 6 अनुपात 7। अब ऑप्शन इधर देखो, ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्या इनमें 6 अनुपात 7 बन रहा है कि नहीं? देखो आप यहां पर बन रहा है कि 6 अनुपात 7 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन बी भी कट गया, आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ, क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ, देख लो आप, नहीं तो और समझ ले आप, क्या करेंगे आप, किससे गुणा इसको सॉल्व करेंगे? 6 से काटेंगे, ठीक है, सॉरी समझ में, 5 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार कटेगा, और कितनी बार कटेगा? 7, तो 6 अनुपात 7 बन रहा है, यही आपका क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं आप मुझे, प्लीज बताएं आप फटाफट। हाँ भाई, अब तक का पढ़ाए हुए में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी 1% भी यदि आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बता दो। एक भी बच्चा यदि बोलेगा तो मैं उसको और फिर समझा के जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे क्लास हो गई है मेरी, फिर भी और समझा के जाऊंगा यदि डाउट है तो। नहीं है डाउट तो लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर कर दो और एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ ना बोले आप? हाँ भाई, फटाफट से और मुझे बताओ किन किन लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया है, फटाफट से। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, मुझे बताएं फटाफट, कोई दिक्कत हो तो भी देखूंगा मैं। हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई बताएं फटाफट, नहीं है दिक्कत तो सुबह मेरी 8:30 बजे क्लास होती है, बिल्कुल बने रहे, ठीक है। आप तरीके से भी कर सकते हो इसको, तरीका भी लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो मैं बताता हूँ, ठीक है। आप तरीके से भी कैसे करेंगे वो भी सीख लें आप, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, ठीक है, तरीका ही मैंने बताया है, और देख लें आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 4 बार बार आप पढ़ा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको फाइंड आउट करना है। ए अनुपात बी कितना है? 2:3 आया। बी अनुपात सी कितना है? 4:5 आया। सी अनुपात डी कितना है? यहां पर 7:6 आया, ठीक है। अब यहां पर देखो बी को आप बराबर करेंगे, तो बी को बराबर करेंगे, यहां पर देख रहे हैं किससे गुणा करेंगे आप लोग, यहां पर करेंगे 4 से गुणा, और इसको किससे करेंगे? 3 से। पर इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसको 3 से किया तो इसको भी किससे करेंगे? 3 से। तो यहां पर देखो 5 किया 15, ठीक है। और आप देखेंगे इसको यदि आप सोल्व करोगे, देखो आप, अच्छा ये सी अनुपात डी है, देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये डी अनुपात सी है, आपको सी अनुपात डी निकालना है, क्या निकालना है? सी अनुपात डी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6:7 होगा, क्या होगा बेटा? 6:7 होगा, यहां पर क्या होगा? ये 6:7 होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा? 6:7 होगा, ठीक है। अब इनको बराबर करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर 5 दिया 15, ठीक है। अब 15 को 4 से गुना करेंगे 60 बनेगा, ठीक है, या फिर 30 बना लो इसको, क्या बना लो? 30 बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लो, ठीक है। देखो बेटा इधर, तो यहां पर देखो 5 दिया 15, इसको 2 से गुना करेंगे तो 15 × 2 = 30 होगा, और इसको किससे गुना कर दो? 5 से गुना कर दो, 6 × 5 = 30, इसको 5 से किया तो इसको भी किससे कर दे बेटा आप? 5 से गुना। अब इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करें, फिर ये यहां पर डिस्टर्ब हो गया तो इसको भी 2 से करेंगे, ध्यान रखें ये गुना हो गया तो ये सब गुना होंगे फिर, ठीक है। इसको भी किससे करें? 2 से। तो यहां पर देखो 4 × 2 = 8, ठीक है, और 8 × 2 कितना बना? 16 बना, ठीक है। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ठीक है। 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, ये आपका आंसर निकल कर आया। अब बोलो कोई डाउट हो तो बताए। हाँ भाई, सुबह कितने बजे आओगे आप? सुबह कितने बजे आओगे? 8:30 बजे सुबह क्लास का टाइम बताता हूं कितना है, 8:30 बजे का। फिर से मैं एक बार बताता हूं आपको सब चीजें। देखो हमारा YouTube चैनल तो है एग्जाम फंडा के नाम से, एग्जाम FANDA, ध्यान रखना FANDA,
ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। यदि आपको रेगुलर तरीके से पढ़ना है, हमारे यहां सुबह 7:30 बजे से और बिल्कुल कंटिन्यू क्लास चलती है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की, जिसमें करेंट की भी क्लास चलती है, मैथ की क्लास चलती है, रीजनिंग चलती है, साइंस एंड टेक चलती है, हिस्ट्री की क्लास चलती है, जीके की, इंग्लिश की क्लास चलती है, फिर शाम को दोबारा रीजनिंग की क्लास चलती है, फिर मैथ की क्लास चलती है, ठीक है, मैथ की फिर 3 बजे क्लास चलती है, फिर उसके बाद मैथ की क्लास 8:30 बजे एडवांस की क्लास होती है, ज्ञानेंद्र सर पढ़ाते हैं वहां पर, ठीक है, सभी क्लास चल रही है, बिल्कुल यथावत तरीके से चल रहा है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, जरूर से, ठीक है। और मेरा जो क्लास रहेगा टाइम का, ये मॉर्निंग का रहेगा 8:30 बजे, ठीक है। यहां पर परसेंटेज पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, प्रतिशत, ठीक है, यहां पर भी आप बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। और आज से मैंने स्टार्ट किया है, बताया नहीं था मैंने, ठीक है, कल आज सुबह क्लास में नहीं बताया पाया, इसलिए स्टूडेंट कम है मेरी क्लास में, अंतर सुबह 2200 से ऊपर स्टूडेंट देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं बता नहीं पाया हूं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और शाम को मेरी 3 बजे से क्लास रेगुलर रहा करेगी, 3 बजे से 1 PM शाम को क्लास रहेगी, तो इसलिए आप रेगुलर रहे। हाँ भाई, अब आप मुझे ये बताओ, आपको वास्तव में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, या फिर 2 घंटे वैसे ही निकल गए? हाँ भाई, इसी में आगे और बढ़ूंगा मैं, अनुपात समानुपात में और क्वेश्चन कराऊंगा कल, और बोलो, अनुपात समानुपात ही पढ़ाऊंगा, इसमें और आगे बढ़ूंगा और चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। मजा आ गया सर, यदि आपको वास्तव में अच्छा लगा है, वास्तव में लगा है कि यस पढ़ाया है सर ने कुछ चीजें, जहां जो अब तक हम बिल्कुल धोखे में थे कि प्रश्न को 1 से 2 मिनट में करेंगे, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में, 5 सेकंड में कर रहे हो, ठीक है, तो बेटा और लोगों को जरूर शेयर करेंगे, आप लोग जरूर बताएंगे, ताकि और भी लोग हमसे सीख पाए, और हमारा जो YouTube चैनल है इसको बढ़ाने में आप लोग जरूर मदद करेंगे हमारे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताएं, बिल्कुल क्लियर है? हाँ भाई, यस, वेरी गुड, धन्यवाद, शुक्रिया, सब आप लोगों का प्यार है बेटा, ठीक है, सब आप लोगों के वजह से ही है, यदि आपके समझ में आता है तो हमें भी उत्साह होता है, ठीक है, हमारा भी, ठीक है, हौसला बढ़ता है, हमें भी पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, संतुष्ट है मेरे से आप लोग? हाँ भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई है कि नहीं? बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत? हाँ भाई, अभी 6 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है, वेरी गुड, उद्धार हो गया हमारा, यस, धन्यवाद, बस रेगुलर रहे आप, पढ़ते रहे बस। सर रेलवे की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट, ये सब कुछ कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं बेटा, SSC, बैंक, रेलवे, सबके लिए। हाँ भाई, पर लाइक बहुत कम है, ध्यान रखें बेटा, ये गलत बात है, ठीक है, लाइक बहुत कम है। यदि आपको इतना अच्छा लग रहा है, मजा आया है पढ़ाने में, तो आपको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इससे हमारा थोड़ा सा रहता है। हाँ भाई, बिल्कुल धन्यवाद, आप हमारे साथ हो, धन्यवाद, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया, धन्यवाद, और थैंक, ओके भैया, धन्यवाद, ठीक है, वेरी गुड, सबका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को जो आप मुझे 2-2.5 घंटे कंटिन्यू सुन रहे हो, पढ़ पा रहे हो। आज देखो काफी चीजें पढ़ी, आपने देखा होगा, मजा आ गया, ठीक है, इतनी चीजें बताई है मैंने आपको, इतने क्वेश्चन कराए, ठीक है। अंत तक क्या करता है, क्लास में भी टीचर ऑफलाइन में भी 3 से 4 प्रश्न कराता है, बस करा के निकल लेता है, ठीक है। ऑनलाइन तो छोड़ो आप, ऑनलाइन में तो सिर्फ आते हैं 1-2 सेकंड के लिए, हाँ भाई 1 सेकंड में 1-2 प्रश्न कराए थे, निकल लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको काफी प्रश्न कराए, काफी प्रैक्टिस कराई है, आप लोगों से क्वेश्चन बनवाए, सबसे बड़ी चीज, मेरे बनाने से और मेरे करने से कोई मतलब नहीं है, आपसे प्रश्न बनवाए, ठीक है। आपने देखा होगा मजा आ गया, एक एक बच्चे का आंसर आ रहा था, सही आ रहा था, ठीक है, बस थोड़ा सा बिल्कुल अवसर बना के ही छोड़ेंगे, बस आप जुड़े रहे तड़के तरीके से, बस पढ़ते रहें, और जितना भी मैंने पढ़ाया, एक देखो बेटा एक छोटी सी बात ध्यान में रखें, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल एक नोट्स लें, ठीक है, कॉपी लें, उसमें लिखते चलें बढ़िया अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को लिखें आप, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे, और तगड़े तरीके से जो भी प्रश्न कराएं सबको लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि भाई प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इनको लिखेंगे, पढ़ेंगे, और इनको दोबारा घर पर करोगे आप, फिर देखना आप कोई बुक लगाओ, कहीं से लगाओ, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, डाउट होगा तो हम बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। और कोई डाउट? टाइमिंग का बता दिया मैंने, 8:30 बजे से मेरी परसेंटेज की क्लास चल रही है, कल रेगुलर रहेंगे आप लोग, और शाम को 3 PM अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूं। और कोई डाउट? यस, हाँ भाई, मजा आ गया, वेरी गुड,
पर लाइक 150 तो करो कम से कम भैया, ऐसा मत करो आप। और प्लीज जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, एक बार मैं पूछता हूं कि भाई कितने सब्सक्राइब कर दिए लोगों ने आज की मेरी क्लास में? हाँ सर, बताएंगे एक बार मुझे। विशाल जी, हाँ भाई, समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, पूरे सब्जेक्ट का टाइम बताएं। अभी धीरज जी बता देंगे, आप रीजनिंग की क्लास लोगे जब आपको धीरज जी बता देंगे पूरे सब्जेक्ट का टाइम। ठीक है, अभी बता देंगे वो लोग। ठीक है, अभी आ रहे हैं, उनकी क्लास है 6 बजे से, आप जुड़ते रहे। हाँ भाई, और कोई डाउट? आज आपका पहला क्लास था तो समझ में आया कि नहीं आपके? भाई दीप्ति जी ये बताएं आप, तो पहले मेरी भी अनुपात समानुपात की पहली क्लास है। हाँ भाई, यस, और कोई डाउट? हाँ भाई, लाइक शेयर जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी गुड, सब्सक्राइबर कर दिया, वेरी गुड, धन्यवाद आप वीडियो को। हाँ बेटा, जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं, ठीक है, तो आज ये अनुपात समानुपात की पहली क्लास थी, आपको YouTube पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं। ठीक है, 3 बजे, बस इसी तरीके से बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और काफी लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, आज मैं बिना बताए आया था, कल आज बता दिया आप लोगों को। ठीक है, कल कितने बजे क्लास रहेगी? शाम की 3 बजे से अनुपात समानुपात के साथ, सुबह 8:30 बजे परसेंटेज के साथ। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, धन्यवाद।